मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। जब टूटने लगेंगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरी हर मुश्किल अब हल होगी, मेरी जिंदगी अब सफल होगी। सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है। INC को दिल में बसा लिया है, INC को दिल में बसा लिया है। मुश्किल कुछ भी मान लो तुम, रब को भी पालोगे मान लो तुम, रब को भी पालोगे मान लो तुम। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमान के, परिंदों को नहीं दी जाती ताली उड़ जाने की। रखते हैं हौसला जो आसमां को छूने का, उनको नहीं परवाह बुद्धि गिर जाने का। नहीं मुश्किल कुछ भी मान लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम। INC ने रब को ही पा लिया है, INC ने रब को ही पा लिया है। INC को आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं, अपने अपने सपनों की ओर अग्रसर हैं, राइट? और जी जान लगाकर सपने देख रहे हैं और उनको पूरा करने की हर रोज एक ख्वाहिश देख रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में, जहाँ आज हमारा ये पहला एपिसोड ऑन एयर होने वाला है, वो भी लाइव। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ मैं आज के सेशन के लिए, क्योंकि इतने सारे आप सभी के मैसेजेस आते हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है कि कब मैं इस सीरीज़ को लेकर वापस आप सबसे रूबरू हूँ, आप सबसे मिलूँ, आप सबके समक्ष आऊँ और कुछ आपसे सीखूँ, कुछ मैं आपको सिखाऊँ। और आज के जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं, हमारे जो स्पीकर्स आने वाले हैं, वो एक मदर डॉटर डुओ हैं। आपने सही सुना कि माँ बेटे की वो जोड़ी है जो INC में छाई हुई है फिलहाल। तो इनफैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट में भी मैंने इनको बहुत अग्रसर देखा है। रिसेंटली वुमेन्स डे पर भी या अपने CNF पे इन्होंने अपने स्तर से बहुत कुछ मेहनत करके इन्होंने अचीव किया है और काफी ही काबिल तारीफ के तरीके से इन लोगों ने काम किया है। और मैं इनसे काफ़ी समय से मिलती आई हूँ, देखती आई हूँ। तो आज हम इस मदर और डॉटर डुओ से मिलने वाले हैं, एक सुंदर सी मादा और उनकी सुंदर सी बेटी की जोड़ी आज आप सबके समक्ष आने वाली है, जो INC से हैं। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जो कि चेयरमैन स्टार हैं। और आज हम उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी INC के महत्व के बारे में। तो क्या आप सब तैयार हैं? अगर आप सब तैयार हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे थम्स अप भेजिए। मैं आपके मैसेजेस बिल्कुल पढ़ रही हूँ। INC एवरीवन, मैं कुछ लोग के नाम भी लेती हूँ। रामजी श्रीवास्तव जी INC, अजय पूनिया जी INC, रामशंकर सिंह जी INC, सृष्टि पटेल INC, बलदेव सिंह INC, इकरामुल हक साहब INC, बिजेंद्र पांचाल जी INC, श्रुति तिवारी जी INC, अमित यादव जी INC। मेरी आवाज बहुत कम आ रही है, राइट? कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, बिकॉज आई थिंक काफी लोग कह रहे हैं आवाज कम आ रही है। क्या अब आवाज ठीक आ रही है आप सबको? INC एवरीवन,
अगर अब आपको आवाज ठीक आ रही है तो आप मुझे प्लीज थम्स अप भेजिए, प्लीज मुझे बताइए। रोहित मिश्रा जी, ग्राइम सी, अमित यादव जी, गुड आइम सी, अंजन राहुल जी, गुड आइम सी फ्रॉम ओडिशा, गुड आइम सी, यस जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज आप लोग को ठीक आ रही है, और जल्द से जल्द इस वीडियो को अभी शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आज लोग हमें लाइव सुने, राइट। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, करीबन 95 लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त लाइव, तो वो लोग प्लीज इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि हम आगे का जो एपिसोड है उसको आगे लेकर जाएं। ओके, सो गुड आइम सी एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में। तो जैसा कि मैंने आज के गेस्ट के बारे में आपको बताया ही है, तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने गेस्ट्स को आपके बीच लेकर आने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, अगर आ रही है तो आप प्लीज मुझे थम्स अप भेजिए। यस, गुड आइम सी एवरीवन, गीता चौधरी जी, गुड आइम सी, ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी के इसी प्यार के लिए, इसी आशीर्वाद के लिए, यू नो, इतना फील करने के लिए मैं वेट कर रही होती हूँ कि मैं लाइव कब आऊं, कब आप सबसे मिलूं। और जब जब आप लोगों की ये विशेस मैं पढ़ती हूँ मुझे बेहद बेहद खुशी होती है, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानती हूँ कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे इतना सारा सम्मान देते हैं, और थैंक यू वेरी मच। अब हम आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, और आज के हमारे गेस्ट का मैं स्वागत करना चाहूंगी। तो हम सबके समक्ष प्रेजेंटिंग मिस गिरिजा एंड मिसेस चित्रा जांगिड़ जी हमारे साथ हैं। गुड आइम सी, गुड आइम सी, गुड आइम सी, गुड आइम सी। कैसे हैं आप चित्रा जी? सब आनंद मंगल है। वेरी गुड। गिरिजा आप कैसे हैं? गुड मैम। ओके, सो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इस मदर डॉटर डुओ का। और पहली बात, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक, फ्रेश, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, आपकी मम्मी बहुत अच्छी लग रही हैं आईएमसी चैट में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच हमारा ये न्योता स्वीकार करने के लिए और हमारे साथ लाइव आने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए कि हम आपकी कहानी और आपके शब्दों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए और उनको मोटिवेट कर पाए। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे जाबाज योद्धा, महिला योद्धा टीम में है और टीम चैंपियन में है, ये और भी बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम जी। तो आपको कैसा लग रहा है आज लाइव आके हमारे साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों से मिलने की, क्योंकि अच्छा लग रहा है कि आपने इतना बड़ा मौका हम लोगों को दिया, तो थैंक यू वेरी मच। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा। आप बिल्कुल काबिल हैं, मैं तो कहूंगी आप जैसे काबिल महिलाओं के कारण ही हमारी आईएमसी में इतना ज्यादा एम्पावरमेंट है, और इतनी सारी महिलाएं आप सबसे ही सीख रही हैं, और कहीं ना कहीं मैं जो कुछ भी हूँ वो आप लोगों के कारण ही हूँ, आप लोग के सपोर्ट के कारण ही हूँ। तो आज के हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, तो चित्रा जी हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं आईएमसी में, किस प्रकार आपने आईएमसी में अपने पावन कदम रखे और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आईएमसी में? मैम, आईएमसी प्लेटफॉर्म एक हमारे लिए एक वरदान बन के आया, क्योंकि मैं अपने शरीर से बहुत दुखी थी, मुझे जॉइंट स्पैन बहुत ज्यादा था और मैं चल भी नहीं पाती थी अपने जॉइंट स्पैन की वजह से, बच्चों पे भी बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था और मेडिसिंस भी बहुत ली मैंने 3-4 साल तक, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं आया। फिर आईएमसी मेडिसिंस लेके एक जो हमारे पास एक सज्जन पुरुष आए और उन्होंने मुझे बताया कि आईएमसी में आयुर्वेदिक मेडिसिंस हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ये 45 दिन का कोर्स लेके देखिए, आपको अगर बेनिफिट होता है तो आप लोगों की देश सेवा कर सकते हैं, आपके जैसे और भी बहुत सी हजारों लाखों महिलाएं इस परेशानी से जूझ रही हैं, तो उनकी थोड़ा सा अपने जो आप अनुभव करेंगे इस मेडिसिंस को लेके, आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, वैसे लोगों को, देश को भी स्वस्थ कर सकते हैं।
तो मैम मैंने जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उनका बात करने का जो अंदाज था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो वो एक अपने स्वार्थ से परे होकर एक देश की भलाई के लिए उन्होंने ये जो कदम रखा था, तो मैंने सोचा कि मेडिसिन तो मैं इतने सालों से लेती आ रही हूँ कि 4 से 5 हजार की मेडिसिन मेरी हर मंथ आती है। आज 4-5 साल से मेरी हर मंथ 4-5 हजार की मेडिसिन बाहर से आती थी। वही मेडिसिन जब मैंने चेंज करके आयुर्वेदिक IMC मेडिसिन स्टार्ट की तो मुझे धीरे 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 बेनिफिट होने लगा, और मेरे जॉइंट्स प्रॉब्लम थी वो काफी हद तक कम होने लगी, और अब मैं चलने लगी हूँ और अपने सपनों की उड़ान भी भरने लगी हूँ जो एक IMC प्लेटफॉर्म ने मुझे दिया है, और मैं बहुत खुश हूँ। और तब मुझे थोड़ा सा ये जो मुझे लगा एहसास हुआ कि अपन ठीक हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मेरे जैसी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो एक शारीरिक कष्ट होने की वजह से अपने सपनों की उड़ान नहीं भर सकती हैं, उनके सपने सपने ही बनकर रह गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो एक स्वस्थ जीवन मैंने IMC से पाया, वो स्वस्थ जीवन ये हजारों लाखों हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं, पूरे विश्व की महिलाएं हैं, IMC तो आज ऑल वर्ल्ड में फैल चुका है, तो पूरे विश्व की जो महिलाएं हैं वो इसका लाभ उठाएं इन मेडिसिन्स का, और जैसे मैं स्वस्थ रही और आज मेरे जो सपने हैं वो सबको स्वस्थ करने के हैं, अपने सपनों को पूरा करने के हैं, लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए हैं। तो मैंने इतना अच्छा जो रिजल्ट पाया ना, उसी के कारण मैंने IMC प्लेटफॉर्म में एक कदम डाला, और मैं मेरे जो पति हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे परमेश्वर हैं, उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ाया है कि एक जनकल्याण, एक स्तर स्वार्थ से ऊपर उठकर एक कार्य है जो एक IMC प्लेटफॉर्म हमारे लिए लेके आया है, और एक हमारे लिए तो वरदान है ही लेकिन सभी महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा वरदान लेके आया है। और मैं आपका तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि हम लोग उदयपुर में जो मिले थे, मुझे मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा था मैम, और जो आपने महिलाओं के लिए जो एक एक बीड़ा उठाया है ना, वो बहुत अच्छा कदम है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज महिलाओं के कार्य की बात करें ना मैम, तो ना तो वो लाइफ स्टाइल पहले वाली रही है कि हमने पशुपालन कर लिया या कोई कृषि में खेती बाड़ी का काम किया है तो महिलाएं अपनी जिंदगी उससे बसर कर सकेगी। आज की जो जनरेशन है उनको स्टडी लेवल भी कितना ही दे दो, लेकिन उसमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए जो आप कमर कस के जो खड़ी है हमारे लिए, और हमें एक ताकत मिली हुई है आपसे कि आपके सहारे से हम लोग बहुत बड़ी जंग जीतने वाले हैं, IMC प्लेटफॉर्म में आके और आपसे मिलकर हम बहुत बड़ी जंग जीतने वाले हैं। और अंशुल भाटिया मैम को और वीना भाटिया मैम हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो एक फैमिली की जो फैमिली बिजनेस उन्होंने जो स्टार्ट किया है, और उन्होंने हमको सिखाया है कि जैसे हम लोगों ने चारों ने मिलके फैमिली बिजनेस शुरू किया है, आपके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। मैंने उन्हीं से सीखा है, ये प्रेरणा उन्हीं से ली है, क्योंकि जब एक पिता और बेटे एक स्वार्थ से परे उठकर एक कार्य में लगे हुए हैं जहां उनकी बहू भी है और उनकी वाइफ भी है, तो ये हमको एक सीखने को मिल रहा है, इसलिए मुझे इतना खूबसूरत लगता है ये बिजनेस। और मेरी बेटी है गिरिजा जांगिड़ और इसके पिता हैं और मैं हूं, तो हम तीनों इस बिजनेस को बड़ी खूबसूरती तरीके से करते हैं, और यू मानिए मैम कि हम तो बिजनेस की तरह इसको करते ही नहीं, बिल्कुल एंजॉय करते हैं और ये जो हंसी है ये IMC की बदौलत है जो मेरे चेहरे पे लेके आई है, नहीं तो शायद जिंदगी कमरे में ही रहती, चार दीवारी में बंद होके, क्योंकि शारीरिक कष्ट जो होता है ना मैम, वो बहुत बहुत दुख देता है, मतलब महिलाएं बता नहीं सकती, उनको अंदरूनी प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं, इंटरनली भी बहुत होती है, और सबका ध्यान रख सकती है लेकिन अपना ध्यान नहीं रख सकती है। तो इन चीजों से जब मुझे थोड़ा सा बाहर निकली मैं, IMC की मेडिसिन आज भी लेती हूँ मैम, मैं मेडिसिन मैंने बंद नहीं की है और मैं कभी करूंगी भी नहीं, क्योंकि ये मुझे लगता ही नहीं कि मेडिसिन ले रही हूं मैं,
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सर्दियों में गोंद के लड्डू खाते हैं ना, उस तरह से अब मुझे लगता है कि मुझे अपने ध्यान के लिए, मुझे अपने शरीर अपनी बॉडी के ध्यान रखने के लिए मुझे ये चीजें जरूरी है। ये मेरी दवाई नहीं है, मेरी शरीर की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि भागती दौड़ती दुनिया में हम लोग सब केमिकल ही खा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अब मुझे ये टॉनिक लग रहे हैं सब, कि ये जो गोंद के लड्डू बनाए हैं ना आईएमसी ने हमारे लिए, महिलाओं के लिए, तो हम लोगों को सबको खाने चाहिए और खिलाने भी चाहिए। बहुत खूब जी, लाइक इतना सब कुछ, आप ना मुझे किसी इंस्टीट्यूशन का भंडार लगती हैं। तो जैसे कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं, मैं चाहूंगी कि आपका प्रोफेशन क्या है आप ये भी बताएं। काफियों को लग रहा होगा आप टीचर होंगी, लेक्चरर होंगी, आप किसी अच्छे पद पर होंगी, तो मैं चाहूंगी आप अपना प्रोफेशनल फील्ड भी लोगों को बताएं कि आप किस चीज में माहिर हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म क्या है। मैम 23 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और 2 या 2.5 साल हुए होंगे हमें आईएमसी प्लेटफॉर्म में आए हुए। उससे पहले हम लोगों ने विलेज वाली लाइफ जी है, बिल्कुल पशुपालन, गाय भैंसे रखना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, सास ससुर, मतलब फैमिली में आज भी सब कुछ है, सब कुछ है आज भी। और उस लाइफ, उस दौर में आईएमसी का हमको मिलना और उस वो एक हमको एक प्लेटफॉर्म मिलते हैं, हम हमारी जिंदगी में जैसे बाहर से आ गई है। और आप मैम, आप ही कहते हैं, आप ही नहीं कहते हैं, जो भी मुझे मिलता है ना वो ये कहता है कि मैम आप कोई लेक्चरर हैं या कोई आप गवर्नमेंट जॉब से हैं। तो मैम आप देख रहे हैं कि आईएमसी ने मतलब स्वस्थ जीवन ही नहीं दिया है, अपनी जीवन शैली को बदलने का हमको मौका भी दिया है। आज महिलाएं जो घूंघट पर्दे में और जो एक पिछड़े वर्ग की तरह रह रही थी विलेज लाइफ में, आज अपन कहते हैं कि हम एक कदम आगे हैं, लेकिन विलेज लाइफ में आप उतने ही एक कदम पीछे हैं। उससे बाहर निकलना, और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मैम मेरे हस्बैंड का है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे लेके आए हैं। किसी की परवाह ना करते हुए, किसी को ध्यान में ना रखते हुए, मुझे और मेरी बेटी को एक एक कदम आईएमसी की तरफ, एक कदम जनकल्याण की तरफ, एक कदम इस देश की तरफ लेके आए हैं। और मुझे इसमें बहुत खुशी हो रही है, और कभी मैंने सोचा नहीं था मैम मेरी लाइफ में ऐसे भी पल आएंगे कि मैं आप लोगों को फेस करूंगी, या पूरे देश में मुझे लोग बाग जानेंगे या मुझे देखेंगे, मेरी बेटी को जानेंगे, मेरे पति को जानेंगे। शायद मैं 1,00,000 रुपए भी मेरे हस्बैंड कमा लेते ना घर में रह के, तो भी दुनिया को उन्हें जान नहीं पाती। लेकिन आज आईएमसी प्लेटफॉर्म ने उन्हें एक नाम दिया है, एक इज्जत दी है, एक शौहरत दी है। तो धन्यवाद करती हूँ मैं तहे दिल से बार बार आईएमसी परिवार को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं धर्मेंद्र सर का करती हूँ। बिल्कुल, बहुत मैम, बहुत तहे दिल से धर्मेंद्र सर का धन्यवाद करती हूँ कि मैम हमें डूबते हुए को हाथ पकड़ के उठा लिया उन्होंने। हमारा कोई अपलाइन नहीं था मैम इसमें, और हम लोग बिल्कुल ऐसे ही हो रहे थे कि क्या करें, आईएमसी बिजनेस कैसे करें, कोई सिखाने वाला नहीं था, कुछ ABCD कोई पता नहीं था कि आईएमसी बिजनेस क्या है क्या नहीं है। तो इसी दौरान धर्मेंद्र सर ने और राजेश जी सर ने आके हमारा हाथ थामा और हमें उन्होंने सिखाया। तो ये फुल ABCD उन्हीं की सिखाई हुई है और अभी भी सिखा ही रहे हैं हमें, और हम सीखते सीखते मैम आज एक चेयरमैन लेवल जो है, एक बहुत अच्छा लेवल मानती हूँ मैं, कि इस लेवल पे जो जो गिर पड़ के जो अगर चढ़ गया ना इस लेवल पे, तो ये मान लो कि वो सक्सेस हो गया। एक बहुत ही अच्छा लेवल है। और आपसे तो मैम, आप तो सीनियर है, मैं आपसे तो क्या कहूंगी, आप तो खुद ही एक आईएमसी का ताज पहन के बैठे हैं, हम तो गुणी लोगों से सीख रहे हैं ये सब, और मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सब एक छत्र छाया, एक फैमिली ट्री होता है ना, तो हम एक ही फैमिली ट्री से हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप किसी मामूली गांव से, जो आपने बताया कि आप पशुपालन जो आपने किया, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान की हिस्ट्री मैं नहीं, पूरा भारतवर्ष जानता है कि महिलाओं के प्रति कितना कटाक्ष रहा है शुरू से, कितना कठोर रहा है शुरू से, आई थिंक ये हिस्ट्री बताएगी। और राजस्थान की धरती से दो ऐसी योद्धा महिलाएं आज हमारे साथ हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक महिला चाहे जितनी भी सक्सेसफुल हो जाए,
पर घर आके वो आखिरकार एक बहू, एक पत्नी, एक माँ ही बन जाती है, राइट, कहीं ना कहीं। तो वो चीजें बहुत, एक महिला को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, और मैंने भी ये फेस किया है, बहुत ज्यादा फेस किया है, और मैं बखूबी आपके इस तर्क को समझ सकती हूँ। सो गिरिजा, वेलकम वंस अगेन। अब हम आपसे भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जो यंग जनरेशन है हमारी आईएमसी में, यंग पीढ़ी है, जो कहते हैं कि हम कॉलेज कर रहे हैं या अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम आईएमसी कैसे कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तो आप साक्षात एक एग्जाम्पल है कि पढ़ाई के साथ साथ आप किस प्रकार आईएमसी कर रही हैं। और मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को, मैं गिरिजा को टीम चैंपियन की हर मीटिंग में उपस्थित देखती हूँ, चाहे वो उदयपुर में हो, चाहे वो जयपुर में हो, चाहे वो आगरा में हो, मैंने गिरिजा को देखा है, शी इज वेरी एक्टिव, वो हर मीटिंग में होती है, और खास बात है वो सबसे आगे बैठती है, उसको पीछे बैठना पसंद नहीं है, वो हमेशा आगे बैठती है। और जो मैंने नोटिस किया है गिरिजा के बारे में, और वो जो यंग ब्लड, यंग जनरेशन है, तो हम गिरिजा से जानना चाहेंगे आपका क्या एक्सपीरियंस है गिरिजा एनसी में। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले मैं अपने माता पिता को नमन करना चाहूंगी, क्योंकि जो मेरी जिंदगी है इन्हीं से शुरू हुई है, और इन्होंने ये जो एक मौका दिया है ये बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए। और जैसा कि आप बता रहे हैं यूथ के बारे में, तो मैं थोड़ी सी मेरी स्टोरी बताना चाहूंगी कि आई थिंक मैं जब 12th में थी तो मेरे पापा ने ये ज्वाइन किया आईएमसी 11th 12th में, तब से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लगने लग गया लोगों को, मैं तभी से बताने लग गई थी कि देखो ये मेरी तुलसी है, ये आईएमसी की तुलसी है, ये बहुत अच्छा काम करती है, पर उतना आता नहीं था, बच्ची समझते थे लोग, तो बहुत फेल हो जाती थी मैं, मेरे फ्रेंड्स ही नहीं समझते थे। फिर धीरे धीरे कॉलेज लाइफ में आई, कॉलेज लाइफ के साथ साथ धीरे धीरे, अब जैसे ही लॉकडाउन हो गया था उसके बाद कम्प्लीटली मैं फ्री हो गई थी, थोड़ा थोड़ा काम करती थी पहले आईएमसी का, लेकिन कम्प्लीटली मैं फ्री हो गई थी लॉकडाउन में। तो मैंने फेसबुक लाइव चलाए बहुत सारे, उससे मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिले, तो उस समय ऐसा लगा कि लाइफ में मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और मुझे तो एक भगवान ने एक बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म पकड़ाया है, शायद ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो ये जो आईएमसी प्लेटफॉर्म है ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए, और क्योंकि बेटियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, ये चीज बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है, पर आज थोड़ा युग बदल रहा है, और उस युग में बदलते हुए मेरे पापा भी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो खुद धक्का मार के मुझे आगे करते थे स्टेज पे खड़ा होने, फर्स्ट टाइम मैम मैंने 300 लोगों के सामने मैंने स्पीच की थी, और मैं एक जगह से हिली भी नहीं थी, इतना डर था अंदर, पर उस दिन के बाद से आज डर पूरा कम्प्लीटली खत्म हो गया है। तो मैं आज की जो अपनी यूथ है उन लोगों को ये कहना चाहूंगी कि वो जो बहाने मारते हैं ना कि पढ़ रही हूं मैं या मेरी पढ़ाई है, मैं साथ में ये नहीं कर सकती हूँ, मैंने खुद ने किया है, मैं तो 11th 12th क्लास से ये सब करने लग गई थी, इवन मेरी 18 से पहले ही आईडी लग गई थी मैम, एक दो महीने पहले ही आईडी लग गई थी, आज भी पापा का आधार कार्ड लगा हुआ है मेरी आईडी में। तो ये बात है इंटरेस्ट की, कुछ ड्रीम्स बहुत बड़े हैं मेरे, ये चीज मैं मानती हूँ, और मुझे पूरा करना है ये ड्रीम्स अपने, रोल्स रॉयस लेके आनी है मुझे और जैसा कि आप वर्कशॉप में मेरे को हमेशा आगे देखते हैं, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि सर मुझे धर्मेंद्र सर सीपी बोलते हैं, तो अब सीपी हूँ तो फिर आगे बैठना बहुत जरूरी है मेरा, तो मैं अब पीछे नहीं हट सकती, और आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है, और मेरे लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, और चाहती हूँ मैं कि अपने माता पिता का नाम जल्दी ही रोशन करूं, और जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल बना रहे हैं मुझे, खैर मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने मेरे को इतना लायक है, स्पेशली मैं टीम चैंपियन पूरी आईएमसी की तो नहीं, पर अगर मैं टीम चैंपियन, जो आई थिंक द मैक्सिमम लोग हम टीम चैंपियन के आईएमसी में, ऑलमोस्ट 60% 70% हम टीम चैंपियन के लोग हैं, आप टीम चैंपियन में तो यंगेस्ट है, जो यंगेस्ट एक्टिव लड़की जिसको मैं जानती हूँ पर्सनली वो आप ही, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं आप जैसी यू नो एकदम ही नई नवेली लड़कियों को देखती हूँ जो इतनी अग्रसर, इतनी एम्पावर्ड हैं, लाइक ऐसा लगता है कि पता नहीं ये परियां एकदम ऐसे ज्ञान लेकर ही आई हैं नीचे, क्योंकि क्या होता है कि जेन्युइनली लोग सुनना नहीं चाहते हम, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ,
तो फिर ज्यादा क्या होता है ना, पढ़ने लिखने वाला इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता। तो गिरिजा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने कुछ ताने भी फेस किए होंगे जब आप किसी को बिल्कुल, और आप तो मैम जानते हैं कॉलेज लाइफ में क्या होता है, कोई बिना छेड़े नहीं रहता है। सबको पता है, मेरी क्लास के हर एक बच्चे को पता है कि मैं आईएमसी में काम करती हूँ, आईएमसी में कुछ करना चाहती हूँ, और सब मुझे आईएमसी के नाम से बुलाते हैं कॉलेज में। तो वो बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझे आईएमसी जैसा ओहदा दे रहे हैं। इतना बड़ा ओहदा हर किसी को नहीं मिल सकता है, तो वो शायद वो अनजाने में बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये कि वो मुझे ऐसे बोलते हैं। आने वाले समय में, खैर 2 साल है अभी कॉलेज में, और तो उनको 2 साल में तो कुछ नया ही दिखेगा। बिल्कुल, तो आप किस तरह हैंडल करते हैं ये ऑब्स्टिकल्स, ये ताने, ये सब कैसे फेस करते हो आप? कभी आप डीमोटिवेट होते हो इन चीजों से? ना मैम, बिल्कुल नहीं। डिमोटिवेट कैसे, अभी जैसे बताया मैंने कि वो आईएमसी बोलते हैं तो मुझे बहुत गर्व फील होता है। तो बात होती है सिर्फ सोच सोच की, सोच सोच का फर्क है बस। आप अपनी अपनी सोच को इधर भी लेके जा सकते हैं, इधर भी लेके जा सकते हैं, डिपेंड हम पे करता है हम कोई भी बात को कैसे लेके जाते हैं। तो वो तो हम क्या है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं तो नेगेटिविटी तो गलती से भी नहीं आ सकती है। ओके, सो स्वीट। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको रोल्स रॉय जैसी कार लेनी है, तो क्या आप मुझे उसकी कीमत बता सकती हैं, वो कार कितने की है? रोल्स रॉयस तो एक कह सकते क्लासिक चीज है, और ये 9 करोड़ से तो शुरू होती है मैम, बाकी आगे तो बहुत आगे तक जाती है। पर जरूरी है कि मैं बहुत जल्दी ये कार लूं, और जरूर लूंगी मैं ये कार, और क्योंकि अब जब सभी को बोल दिया है तो आप पीछे नहीं हट सकती मैं, और ये तो मेरा ड्रीम है। की तादाद में लोग आपको सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुनने भी वाले हैं, तो आज आपने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया है सबसे जो आपको पूरा करना है। यस मैम, बिल्कुल। सपने के बारे में कुछ बताइए गिरिजा, आपके क्या सपने हैं आईएमसी प्लेटफॉर्म से, आप क्या उम्मीद करती हैं? मैम, एक जो यूथ होता है ना, उसके बहुत सपने होते हैं। कई लोग उनको देख पाते हैं, कई लोग उनको नजरअंदाज कर देते हैं, दोनों तरीके होते हैं। कई लोगों को वो मस्ती अच्छी लगती है, लेकिन कई लोग अब उन सपनों को पूरा करने के लिए उसमें जुट जाते हैं। अब जैसे मुझे कई लोगों ने कहा है कि क्या इन सब चीजों में पड़ी है, थोड़े अब तेरी लाइफ है, ये समय तेरे को वापस नहीं मिलेगा, इसको जी, मस्ती कर, कॉलेज लाइफ जवानी है। अपनी जवानी को जियो है। पर वहां पे एक ही चीज सोच में आती है कि ये जिंदगी अभी तो मैं जी लूंगी, फिर आगे का क्या। तो जरूरी है कि आगे की सोच रखे हम, और जैसे कि मेरे ड्रीम्स बहुत, मैं खुद ये मानती हूँ कि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और इनको मेहनत करनी पड़ेगी मुझे लेने के लिए। और जैसा कि एक सही रास्ता चाहिए होता है ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, वो तो मिल ही गया है मुझे, बस जरूरी है मेहनत की, कि मैं मेहनत करूँ और मेरे जो सपने हैं, मैं चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में मैं सबसे यंगेस्ट और सबसे रिचेस्ट गर्ल बनूं। तो ये मतलब बहुत बड़ा एक टारगेट है मेरे लिए, लेकिन ये जरूर पूरा होगा मैम। और मतलब जो यूथ के लिए, सब मुझे एग्जाम्पल बनाए कि सब कि ऐसे बनना है तो ऐसे बनो, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हूँ मैं मेरे पेरेंट्स से, और होना भी चाहिए, पेरेंट्स ही होते हैं अपने सब कुछ, प्लस लग्जूरियस लाइफ तो अपने आप मिल जाएगी, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा मैम, बस जरूरी है मेहनत करना और आगे बढ़ना है बस। थैंक यू वेरी मच चित्रा जी। अब आपसे मैं एक सवाल करूंगी कि जैसा कि आपने अपनी बेटी को सुना, उसने बोला कि वो 300 लोगों के आगे उसने बेझिझक होकर अपनी बात रखी, और आज वो 3,000 लोगों के आगे रख रही है, और ये आगे 3,00,000 लोगों तक भी ये वीडियो जाएगी। तो एक माँ होने के नाते आप कैसा महसूस करती हैं अपनी बेटी को इस प्रकार देखते हुए? शब्द ही नहीं है मैम मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि माँ बाप के लिए जो बच्चे अगर सक्सेस हो जाते हैं ना, तो माँ बाप से बढ़कर खुशी किसी को नहीं हो सकती। हम तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आईएमसी परिवार का, आईएमसी का, कि आज नए यूथ को उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है। क्योंकि आज लॉकडाउन के बाद और कोरोना के आने के बाद में तो मैम
नए यूथ का सारा इस अस्तित्व हिल चुका है, स्टडी लेवल भी डाउन हो चुका है, जिनकी जॉब थी वो जॉब भी जा रही है, गवर्नमेंट जॉब भी लोग बाग गवर्नमेंट जॉब से भी पद से भी हटाए जा रहे हैं, तो जॉब में तो बच्चों का अस्तित्व है ही नहीं। मुझे नजर नहीं आ रहा कि अब जो 2-5 साल हैं उसके अंदर ये बच्चे कुछ कर पाएंगे। तो अपनी स्टडी को सही दिशा में काम में लेते हुए जो गिरिजा ने एक प्लेटफॉर्म माता पिता के माध्यम से चुना है, या अपने एक समझदारी सूझबूझ से जो लिया है, वो एक प्लेटफॉर्म जो इसने चुना है वो बहुत अच्छा है। और इसके जो सपने जो मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ ना मैम, बहुत बड़े हैं इसके सपने। और हाँ, ये कहती है कि हम इसकी प्रेरणा है, और हम माता पिता ये कहते हैं कि ये हमारी प्रेरणा है, हम इससे सीखते हैं। और मैम ये डिजर्व भी करती है, इसमें वो गुण है जो हम लोग सीखते हैं, आप इसे तो मिले हैं। और मैम ये जो 300 आदमियों में जो इसने पहली बार बोला, ये बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात ये भी थी कि जब मुझे भी 300 आदमियों के बीच में एक माइक पकड़ाया, तो मुझे लगा कि घर में आज तक तो हम लोग बेलन पकड़ते आए हैं, आज माइक कैसे आ गया, आप बोले तो क्या बोले। सिचुएशंस बहुत टिपिकल हो जाती हैं जब ऐसी स्थितियों में हम पहली बार आते हैं। लेकिन मैम देखिए किस स्थिति से निकलकर हम लोग आज, अब ऐसे घबराहट नहीं होती, अब हिचकिचाहट नहीं होती है इन चीजों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने धीरे 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 इसको एक आईएमसी को एक हम लोगों ने आत्मा से किया है, एक आत्मा से फील किया है इसको, कि इसमें आज की जनरेशन, आज का यूथ कितना सक्सेस हो सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, माँ बाप पे डिपेंड नहीं रह सकता। आज के बच्चे देखिए ना मैम, 25-25 साल के हो जाते हैं फिर भी पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं, बिल्कुल उनको खर्चे पेरेंट्स को। आप हाँ। कहते हैं ना कौन से होटल का खाना खाते हो। मैं बच्चों को कहती हूँ हमेशा कि 20-21-22 साल के हो गए फिर भी बापू भोजनालय में ही खाना खाते हैं, अरे कुछ करो तो सही। तो इसको, इस बापू भोजनालय को मैम थोड़ा सा अगर हम लोग देखे ना कि बच्चे जो बापू भोजनालय में खाना खा रहे ना, तो इतनी पढ़ाई करने के बाद में, इतनी डिग्रियां लेने के बाद में भी पिता पे आश्रित है, तो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, हम सक्सेस हो सकते हैं, 2 पैसे हमारे पास में भी आ सकते हैं, और हम भी लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं, और हम भी एक लग्जूरियस लाइफ को जी सकते हैं, हम लोग भी अच्छा बन के रह सकते हैं। और मैं तो क्या बताऊंगी, आपने तो मुझे खुद देखा है, आपने जर्नी भी सुनी है कि मैं तो कैसे विलेज लाइफ से निकल के एकदम से यहाँ तक आई हूँ, क्योंकि टीम चैंपियन भी कभी बिलीव नहीं करती। मैं कहती हूँ ना सर वगैरह को कि सर मैंने ऐसी लाइफ जी है, तो मुझे बताया था कि आप कितना लीटर दूध निकालती हैं। मैम मैं गाय रखती थी ना, तो 10 लीटर एक दिन का, मतलब एक टाइम का दूध निकालती थी। इसी बात से मुझे बहुत शौक, इस बात मजा आता था मैम, पहले काम सारे किए हुए मैंने कम्प्लीटली। तो मैम ये आज जो हमने जो आपसे आपसे जो रूबरू हुए हैं, वो एक महिलाओं के लिए एक आप जो आदर्श बन के बैठे हैं, आप आज किस लिए कर रहे हैं ये सब? आप तो उस स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आप सब कैपेबल समर्थ हैं। आज आप 1000 आदमियों को, करोड़ों आदमियों को रोजगार देने में भी समर्थ हैं, लेकिन आप हमारे लिए कर रहे हैं, हम सब महिलाओं के लिए कर रहे हैं। और मैम ड्रीम की जहां बात करूँ ना, और तानों की जहां बात करूँ ना, तो हम लोग जांगीड़ परिवार से हैं, और हमारे वुडनवर्क का कारखाना था, तो लोग बात कहते थे कि अच्छा खासा 50,000 कमाता था और पागल हो गया और साबुन तेल बेचने लगा है। तो बहुत से चीजों को सामना, अब डॉक्टर बन के बैठ गया, फिर वो कहते ये भी कहते थे बोले अपनी लक्ष्य अपनी पत्नी को तो सही कर ले, दुनिया की को तो बाद में सही करना। तो उन्होंने पहले मुझे सही किया, अब लोगों पे रिजल्ट लेते हैं। चलिए, तो बहुत सारे ताने फेस करने पड़ते हैं, फैमिली में भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और किया मैम, लेकिन एक जुनून था कि हमें कुछ करना है, एक लक्ष्य था। और हाउस वाइफ रहते हुए, बच्चों को लालन पालन इनका भी करते हुए, फैमिली ज्वाइंट फैमिली में भी रहते हुए, सब कुछ मैनेज करते हुए भी मैंने काफी आईएमसी के वर्कशॉप भी अटेंड किए हैं,
आईएमसी की मीटिंग्स भी अटेंड की है, जहां तक हो सकता है मैं कोई वर्कशॉप मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि मैम वो क्लासेस होती है उनको सीखना पड़ता है हमें। आज हर चीज को सीखे बिना हम करेंगे तो फेल हो जाएंगे, और सीखने के लिए वर्कशॉप मीटिंग सेमिनार्स ये सब चीजें अटेंड करनी पड़ती है। तो ये सब मैंने आप लोगों से सीख के ये जो कर रही हूँ धीरे धीरे एक प्रयास मेरा। तो चाहती हूँ मैम, मैं जैसे अब ड्रीम की बात करूँ ना, तो मेरा सपना गिरिजा का तो रॉयल्स रॉय है, और मेरा सपना है कि उसमें बैठने का बैठने का तो है ही, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि एक महिला संगठन, इतना एक विश्व में एक ऐसा संगठन बने, बिल्कुल पूरे विश्व में, जिसे आईएमसी प्लेटफॉर्म पूरा कवर करे, और उस महिला संगठन में बहुत हम और आप एक कदम से कदम मिलाकर चले, और दुनिया से जाते जाते एक आईएमसी परिवार से हम लोगों को लोग जाने कि इन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे आने के लिए कितना, एक आईएमसी प्लेटफॉर्म ने कितना बड़ा योगदान दिया है, और महिलाओं को एक घर गृहस्थी से बाहर निकाल कर लेके आई है, और एक अच्छा खूबसूरत लोग खुद स्वस्थ रहें, लोगों को स्वस्थ करें, और खुद के सपने पूरे करें और लोगों के सपने पूरे करें। ये एक बहुत बड़ी सोच लेके जो आईएमसी परिवार आया है, धन्यवाद करती हूँ मैं तो तहे दिल से, आपका भी और आईएमसी परिवार का भी, और उनमें सबसे मेन जो लीडर होंगे ना वो आप ही रहेंगे, और हम लोग पूरे देश को नहीं, पूरे राजस्थान को नहीं, पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को कवर करेंगे, ये मेरा सपना है बहुत बड़ा, और हम साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, सारी वुमेन्स, सभी महिलाएं, सारी औरतें। और हम देखना आप जब हमारी पिक्स होगी ना, तो पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाने वाले हैं हम लोग अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये सपना कब पूरा होगा, हमारा सपना, अब तो मैं मेरा नहीं कह सकती, हमारा सपना हो गया है कि आप भी उसी दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं इन इन चीजों को बारीकी से देख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो एक्सपीरियंस किया है, महिलाओं का वो बैकग्राउंड मैंने एक्सपीरियंस किया है, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी गिरिजा उसका एक्सपीरियंस करे, कल को वो किसी गांव में उसकी शादी हो, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, वो चीजें फेस करे जो हमने करी, वो एक माँ के नाते आप कभी भी नहीं चाहेंगे। तो चित्रा जी, आप उन माओं को क्या संदेश देंगी आज, जो अपने बेटा या अपनी बेटी दोनों को रोकते हैं कहीं ना कहीं उनके सपने देखने के लिए, कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं, सपोर्ट के बजाय माँ बाप ही बाधा बनने पर आ गए हैं, ये ऐसा जमाना भी आ गया है कि बाहर के लोग तो बाद में आते हैं, घर के माता पिता ही टांग खींचते हैं, तो आप उन माता पिताओं से आप अपना क्या आज मैसेज उनको देना चाहेंगी? मैम, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझसे किया है आपने। सबसे बड़ी बाधा ही माता पिता होते हैं, और मैम इसमें मेरे जो हस्बैंड का जो सपोर्ट रहा है ना हम दोनों का, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है हमारा, कि हम आज अपनी बेटी को, आज गिरिजा है, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और आज हमने इसको जो पढ़ाई करवाई है वो है बी फार्मा, जो एक पेरेंट सोच भी नहीं सकते हैं अपनी बच्ची को कराने के लिए। बहुत कम लोग, जो गर्ल्स हैं, बहुत कम गर्ल्स जाती है इस फील्ड में। इसकी कॉलेज की क्लास में मैम सिर्फ ये दो ही लड़कियां हैं, बाकी सारे 40-50 बॉयज ही हैं। हाँ। लड़कियों के नाम पे, लड़कियों के स्तर पे सिर्फ ये दो ही लड़कियां हैं जो बी फार्मा कर रही हैं। और मैं आज के पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को सपने को जीने दो, उनकी उड़ाने हैं वो उनको भरने दो। ये हम जितना रोक लगाएंगे इन लोगों के ऊपर और इनके सपनों को जितना दबाएंगे, वो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, वो ना जिम्मेदारियों को समझ पाएंगे, ना अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, ना अपने सपनों की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। तो आज गिरिजा को हमने स्टडी लेवल भी अच्छा देते हुए, और फिर भी उसको सपनों को पूरा करने के लिए उसको एक आईएमसी प्लेटफॉर्म में लेके आए। और मैम, मैंने एक चैंपियन टीम से एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि आज टीम चैंपियन में आज हम हमारी बेटियों को, बहुओं को, और हम लोग भी अकेले भी चले जाए ना, तो हम इतने सेफ और सिक्योर रहते हैं, शायद बच्चा और कहीं नहीं रहता जितना हम टीम चैंपियन में जाते हैं। मैंने बहुत बहुत बारीकी से देखी है मैम ये चीज, कि वहाँ टीम चैंपियन में सर वगैरह जो भी आप लोग भी हैं, सब लोग इतना सेफ्टी रखते हैं हम लोगों की, इतना सिक्योर रखते हैं हम लोगों का, इतना ध्यान रखते हैं। तो मैम, ऐसा प्लेटफॉर्म अगर बच्चों को मिले तो जिंदगी में अपने सपनों को बहुत ऊंचाइयों तक पूरा करेंगे। और मैं तो ये पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी, आज आईएमसी परिवार मुझे सुन रहा है
तो वो अपने बच्चों को सपने पूरे करने के लिए एक आईएमसी प्लेटफॉर्म में जो आए हैं और वो अपने बच्चों के अगर सपने बड़े देखना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे वो कोई सा भी स्टडी कर रहा हो, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हो, इंजीनियर की कर रहा हो, कैसी भी स्टडी करते रहिए, लेकिन स्टडी के साथ साथ में जो उन्होंने प्लेटफॉर्म पकड़ाया है उनके पेरेंट्स ने, आप उसमें अपने लिए अपने सपनों के लिए बहुत सी बड़ी उड़ाने भर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैम ये तो अब मैं क्या कहूंगी, गिरिजा खुद फील कर रही है, पूरा आईएमसी परिवार हम लोगों को सुन रहा है, देख रहा है कि जैसा पेरेंट्स ने हम लोगों ने किया है वही हम लोग जैसा वैसे ही बच्चों को सुप्रत कर रहे हैं कि हमें देख लो, कहते हैं ना या तो करके देख लो नहीं करे हुए के घर देख लो, तो वो वाली बात है मैम। तो हमने तो जो किए हैं उनके आप जैसे गुणी लोगों को देख के कर रहे हैं, और बच्चे हैं तो पेरेंट्स को देख के कर लो कि कितनी सक्सेस हो सकते हैं वो आगे चल के। और ये जहाँ आज गिरिजा बात करती है रॉयल्स रॉय की मैम, तो ये शायद गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी ना, तो 7 पीढ़ी में भी रॉयल्स रॉय नहीं ला पाएगी। बिल्कुल, तो अब मैं मतलब ये समझ सकती हूँ कि आज की इस पीढ़ी में अगर आपसे चलिए अगर मैं पूछूं कि आप गिरिजा के लिए कैसा लड़का चाहती हैं, लड़का क्या करना चाहिए, तो क्या आप बिल्कुल सीना ठोक के कह सकती हैं कि नेटवर्कर होना चाहिए? बिल्कुल, चाहे मैम 10वीं पास हो लेकिन नेटवर्कर होना चाहिए। आज की चॉइस आ गई है ये, मैंने सिद्धार्थ जी की वाइफ को भी बोलते हुए एक इंटरव्यू में सुना था कि अब वो समय आ गया है कि अब जो माएं होती हैं वो चाहती हैं कि भाई लड़का नेटवर्कर है ना तो फिर सेट है। ठीक है, सही है। तो वही हम उम्मीद करते हैं गिरिजा को भी एक बहुत ही काबिल नेटवर्कर मिले, ताकि ये दोनों अपने सपनों की एक ऊंची उड़ान भरें। और एक माँ से सुनना कि वो अपनी बेटी के लिए नेटवर्कर चाहती है, क्योंकि मेरी माँ नेटवर्कर से शादी नहीं करानी चाहती थी, मुझे अपनी शादी याद आ गई, बट उनको बहुत समय लगा था मुझे समझाने में, और अब जाकर वो कहीं ना कहीं समझे हैं इस बात को कि ठीक था चॉइस, नेटवर्कर से शादी हो गई। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करने का और इनफैक्ट सुनने का। इनफैक्ट आज मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ आपसे, और बहुत सारे लोग आपके लिए कमेंट्स कर रहे हैं, मैं चाहूंगी आप लोग बाद में उसको उनको रिप्लाई करें, पढ़ें जरूर, राइट? तो अभी गिरिजा आपसे जानना चाहेंगे, जहां तक मुझे याद है आप मिस टीम चैंपियन भी बनी थी, आपने कॉन्टेस्ट अभी आपने जीता भी था, आपने क्राउन जीता था, राइट? तो वहां पर भी काफी आप सवाल किए गए थे, तो वहां पे एक सवाल जो था जो मुझे याद आ रहा है वो ये था कि आप लोग अभी तो आपकी शादी हुई नहीं है, कल को आपकी शादी होती है, तो आप अपने परिवार को और अपने व्यवसाय को किस प्रकार मैनेज करेंगी? वैसे तो मैम ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और कभी मैंने इस बारे में कभी बात भी नहीं की है, और आज तो मम्मी के सामने हो, ये मेरे को छेड़ेंगी बाद में। आप मत पूछो मेरे से ये सवाल अभी। नहीं, क्योंकि आप यूथ जनरेशन है और काफी लोग ऐसी लड़कियां होंगी जो अभी शादी का भी सोच रही होंगी, और यू नो वो डिस्टर्ब होंगी कि जैसे मेरी की शादी हुई है तो मुझे भी लोग कहते हैं कि शायद अब मैं काम नहीं करूंगी, बट मैं घर बैठे बैठे भी आईएमसी में कमा रही हूँ और अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ। तो वही मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि, और लोग तो कहेंगे अरे हाँ सीनियर सीपी है तो इनको क्या कमी है, बट ऐसा नहीं है। सीनियर सीपी को मेंटेन करने के लिए हमें रोज काम करना पड़ता है, डेली काम करना पड़ता है, मेहनत से आज हम सीनियर सीपी बने हैं। तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगी रिजा, आप कैसे मैनेज करोगे सिचुएशंस को? अभी तक तो मैंने सोचा है इस बारे में कि जब शादी हो जाएगी, क्योंकि शादी ऐसी चीज है कि वहां पे जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, आपके रिलेशंस बढ़ जाते हैं, आप किसी की माँ भी होंगी वहां पे, किसी की बहन, किसी की ननद वगैरह सब होंगी वहां पे, बहू होंगी किसी की, तो सबके प्रति एक अलग जिम्मेदारी वहां पे बनती है आपकी, और वो जरूरी भी है निभाना, गलत नहीं है। कि अगर कई लेडीज ऐसी होती हैं जो अपना जो वर्क करती हैं, अपना जो काम करती हैं, तो वो उस काम के पीछे अपनी फैमिली को भूल जाती हैं, वो भी गलत है। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप सिर्फ एक वर्किंग वुमेन है तो आप सिर्फ अपने काम में ध्यान दें, जितना जरूरी हमारा काम है उतना जरूरी परिवार भी है। तो वो बात होती है कि मेहनत क्या कहते हैं ना, एक जो नारी शक्ति होती है उसको बहुत बड़ी शक्ति का नाम दिया गया है, तो मतलब वो एक मल्टी उसमें मल्टी क्वालिटीज होती हैं जो बहुत सारे काम वो एक साथ कर सकती है।
तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आज की जो महिलाएं, मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम हम कैसे काम करें, हमारा घर परिवार है, उसे भी संभालना होता है, हम बाहर नहीं आ सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। पर आईएमसी ने तो इतना अच्छा सोल्यूशन निकाला है अब तो, कि आप घर बैठे भी अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम तो सिर्फ बातों का ही तो है, और बातें तो हमें जरूरी नहीं है किसी से मिलके ही हो। अब जैसे ऐसे लग ही रहा है कि हम आपसे मिलके ही बात कर रहे हैं, दूरियां ही नहीं लग रही, तो हम जैसे कि आप जूम पे हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हैं, लेडीज घर पे बैठ के अपने घर को भी मैनेज कर सकती है, साथ में ऑनलाइन अगर वो बिजनेस करती है तो आई थिंक ज्यादा ग्रोथ करता है। तो ये आप ऑनलाइन जूम पे भी कर सकते हैं, और क्योंकि कंपनी तो आजकल रोज जूम मीटिंग का रखती है कि रोज सीखने को मिले, क्योंकि ये बिजनेस ही सीखने का है। और सीखते सीखते अब जैसे आप बता रहे हैं कि सीनियर टाउन प्रेसिडेंट हो गए, फिर भी आपको काम करना पड़ता है। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले सोचती थी कि चेयरमैन बन जाओ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फ्री है सब। अब ऐसे लग रहा है चेयरमैन बनने के बाद कि डबल मेहनत हो जाती है, आई थिंक चेयरमैन बनने के बाद, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अब मैं सोच रही हूँ कि सीनियर टाउन प्रेसिडेंट बनने के बाद तो आई थिंक बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी होगी। तो वो जो कहते हैं ना कि एक लेवल कुछ नहीं होता है, वो लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर एक लेवल मेंटेनेंस मांगता है। प्लस आप इतने लोग आपके ऊपर निर्भर हैं, इतने लोग हमारे ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो उनको संभालना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो यही मैं बात कहना चाहूंगी पूरी लेडीज को कि जो भी ये सोचती है कि हम कुछ कर नहीं सकते घर परिवार के पीछे, तो वो अपने घर बैठ के बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है, और आई थिंक ऑनलाइन बिजनेस तो सबसे बेस्ट बिजनेस होता है, और जल्दी अचीव कर सकती है कोई भी लेवल। एक सवाल कमेंट सेक्शन पे आया है जो मैं चाहती हूँ कि हम लोग ऑन एयर इसका जवाब दें, क्योंकि ऐसे लोगों को, क्योंकि जहां हम उलाहना की बात कर रहे हैं, आलोचना की बात कर रहे हैं, तो काफी बार ना जरूरी हो जाता है उसका जवाब देना अपने काम बिल्कुल से या काफी बार अपने शब्दों से। तो ये महाशय श्रीमान कहते हैं, सिर्फ किया क्या है, पैसा पैसा पैसा, पूरा जीवन आपने खत्म कर दिया, लास्ट में अपने अपने लिए क्या किया लोगों से। इनका कहना है कि हम सिर्फ पैसे पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने आप खुद के लिए क्या किया। तो पहले तो मैं ही इनको, जनाब को जवाब देना चाहूंगी कि पैसे से ज्यादा हमने मान सम्मान कमाया है इस फील्ड में अपने जीवन में। जो मान सम्मान कहीं ना कहीं हमारी माता को नहीं मिला, जो मान सम्मान कहीं ना कहीं हमारी माता की माता को नहीं मिला, दुनिया में काफी महिलाओं को नहीं मिला, नाम नहीं मिला, पहचान नहीं मिला, उसके बाद शोहरत आता है। तो मैंने आईएमसी से नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, जो मैं सबसे ज्यादा, जिसका मैं मायने भी देती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ हम सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सपनों की बात कर रहे हैं। और जो सपने हैं ना, अगर हमारे सपनों के लिए, सपने देखने की बात कर रहे हैं, उनको पूरा करने की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम आंख, और हम, इनको लग रहा होगा हम जो आंख बंद करके सपना देखते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जो हम आंखें खोल कर दिन रात अपनी इन पलकों में जो सपने संजोए रखते हैं ना, हम उन सपनों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही काफी छोटी सोच के लोग होते हैं जो आपको और मुझे भी डिमोटिवेट हमेशा करते रहते हैं, राइट? तो मेरा मानना है, काफी लोग कहेंगे इग्नोर, यस हमें इग्नोर करना चाहिए, परंतु एक आपने वो महाभारत का वो किस्सा याद होगा जहाँ कृष्ण जी ने भी 100 माफ ही गुना माफ किए थे शिशुपाल को, और जैसे ही 101 होता वो सुदर्शन चक्र चल पड़ा था। तो काफी बार मैं इस ये जो एपिसोड है मेरा फेवरेट है, तो जब आलोचनाएं हद तक बढ़ जाती है ना, तो मैं जरूरी समझती हूँ कि वहां कदम उठाना और स्ट्रिक्ट कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासकर हम महिलाओं के लिए, वरना ऐसे लोग ना हमें हर कदम पर मिल मिलकर डीमोटिवेट करते रहते हैं, राइट? तो गिरिजा, मैं चाहूंगी आप भी ऐसे लोगों को जवाब दें, क्योंकि ऐसे काफी लोग लिख तो नहीं पाते, वैसे काबिले तारीफ इन्होंने, जनाब ने कम से कम हिम्मत तो की लिखने की, पर बहुत हिम्मत है इनमें, बहुत हिम्मत है इनमें। तो मैं चाहूंगी कि आप भी इनको जवाब दें। जैसे कि मैम इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई, वो भी नारी शक्ति के आगे, इनको अभी शायद भान नहीं है नारी शक्ति का, शायद इसलिए इन्होंने इतनी हिम्मत दिखा दी। खैर सब अपना अपना सोच रखते हैं, वही अभी जैसे कहा था मैम मैंने, सोच सोच का फेर है बस, ये तो फर्क सोच सोच का है। बाकी आई थिंक अगर
मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का जो आगे बढ़ना है कईयों को नहीं पसंद आता है। मैंने नोटिस की है ये चीज कि महिलाएं जब आगे बढ़ती है तो कई लोग नहीं पसंद करते हैं उस चीज को, पर जब वो बढ़ जाती हैं तो वो जब महिला के पीछे वो जो जेंट्स होते हैं वो फिर सपोर्ट करते हैं, फिर वो उस महिला को एक बहुत ऊपर मानते हैं। नहीं तो तब पता चलता है हमको कि महिलाओं में क्या शक्ति है। बाकी तो ये जो कह रहे हैं मैम कि लेकिन हमने जो IMC में मान सम्मान तो मैम वो भी दूर है, लेकिन जो एक होता है ना प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम, वो हमने इसमें पाया है। और शायद एक जीवन का सार ही इसे ही कहा जाता है कि सबसे प्रेम से प्रेम बना के चलो, तो वो सार यहाँ पे है। तो हम तो जिंदगी जी रहे हैं, ये शायद पता नहीं क्या जी रहे हैं, तो हम तो IMC से जिंदगी जी रहे हैं और लोगों से प्रेम बढ़ा रहे हैं बस। और ये प्रेम का ही बिजनेस है, तो प्रेम बढ़ाना जरूरी है। मान सम्मान, इज्जत, शौहरत सब अपने आप आ जाएंगे। एक बहुत खुशी की बात है कि धर्मेंद्र चौधरी सर हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। तो प्राइम सी सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप इस वक्त अपना कीमती समय निकाल कर हमें देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र सर, क्योंकि आपके अपलाइन भी धर्मेंद्र सर है, मेरे अपलाइन भी धर्मेंद्र सर है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे अपलाइन इस वक्त हमें देख रहे हैं। बिल्कुल जी। और पवन जैन जी लिख रहे हैं, सबके गुरु आ गए हैं मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी जी। सर बिल्कुल बिल्कुल, सबके गुरु महागुरु आ चुके हैं इस वक्त हम सबके बीच, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो जैसा कि ये एक तर्क दिया उनकी जिन्होंने भी, और आप सबको जितने भी पुरुष हैं आप सबको बिल्कुल हक है अपनी सोच को आगे रखने का, हमसे सवाल करने का बिल्कुल हक है, परंतु आप, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। जो महाशय जी ने जो कुछ कहा है या लिखा है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं मैम उनके दिल और उनके नजरिए में स्त्री के लिए सम्मान इतना ही है जो उन्होंने शब्दों में बयां कर दिया है। क्या बात है। उनकी सोच को पढ़ा जा सकता है उनके शब्दों से कि वो स्त्री जाति के लिए, एक नारी शक्ति के लिए कितना सम्मान रखते हैं। और शायद उनसे उनकी जीवन शैली का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वो अपनी धर्म पत्नी को या जो भी उनके घर में महिलाएं हैं उनको सिर्फ चार दीवारी में ही रखना चाहते हैं। और अगर ऐसी सोच रखते हैं तो बशर्ते वो रखें, और बहुत अच्छी बात है उनके लिए कि वो ऐसी सोच लेके बैठे हैं, क्योंकि उनके ना तो सपने बड़े हैं ना उनके विजन क्लियर है। मुझे ऐसे लगता है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है इसलिए इतनी बातें कर रहे हैं। नहीं, और अगर मैम शादी हो गई होगी ना तो वो अपनी पत्नी से, अपनी लक्ष्मी से इतनी दुखी होंगे कि उनके घर में जाके देखें। बिल्कुल, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है जो मैं अनुभव करती हूँ। और मैम आज के पति चाहते हैं कि पत्नियां हमारे साथ में काम ना करें, और पत्नियां चाहती हैं कि हम भी एक कदम पति से आगे बढ़कर चलें। और मैं ये सोचती हूँ मैम, अगर पति पत्नी साथ मिलकर चल लें और साथ मिलकर किसी खूबसूरत सा बिजनेस, जैसे IMC प्लेटफॉर्म है हमारे लिए ऐसा खूबसूरत बिजनेस जिसमें कि पति पत्नी और बच्चे सब साथ मिलके काम करें, तो मैम अगर ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिले तो कहाँ दिक्कत है करने में, जहाँ सुरक्षा भी है और मान सम्मान भी है, प्रतिष्ठा भी है, और जहाँ इनकम की बात करूँ तो कोई कमी भी नहीं है। और मैम अपने तो आदर्श अभी आपको देखे ना, हाथों की शायद आपकी शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी होगी और आपने बिजनेस में कदम डाल दिया। मतलब कि उस लाइफ को नहीं जिया है आपने, अपने सपनों को। ये भी लोगों को हजम नहीं हुआ है अभी। हाँ। तक नहीं हुआ है कि मैंने क्यों कदम रखा, IMC में क्यों रखा। हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं, आप किसी की नौकरी करने तो नहीं जा रहे ना, पति की नौकरी कर रहे हैं और तो किसकी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी कहीं नौकरी करने नहीं जा रही, मैं भी अपने पति की नौकरी करती हूँ। और धर्मेंद्र सर की वाइफ है पुष्पा मैम, वो भी कहीं नौकरी नहीं करने जाती, वो भी अपने पति की नौकरी करती है। बिल्कुल, मान सर है, धर्मेंद्र सर हैं, ओझा जी सर हैं, उनकी सबकी लक्ष्मी अपने पति की नौकरी करती है, किसी की नौकरी करने नहीं जाती है। और फिर भी धर्मेंद्र सर जैसे शख्स की जहां बात करूं तो जिनको 35 लाख महीने का आता है, उनकी लक्ष्मियां उनकी नौकरी करती हैं। अब बताओ मैम ऐसे इंसानों को और क्या जवाब दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली इस वक्त तो मैं हंस रही हूँ, बट अभी तो आपको मैंने एक कमेंट बताया है, बट मेरा जो पास्ट एक साल से डायरेक्ट सेलिंग में जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा तो बिल्कुल मेरी बदौलत रहा है, क्योंकि मैंने अच्छा इसको रखा।
बिल्कुल वही लोगों ने इतना मुझे डीमोटिवेट किया है, इसलिए मैं आज आप सबको भी एक उदाहरण स्वरूप ऐसे लोगों के सामने लाना चाहती हूँ कि ऐसी भी मुझ जैसी और बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी की पत्नी हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की बहन हैं, और वो आईएमसी कर रही हैं और वो कर सकती हैं, और इसमें कोई गलत विवाद की यहाँ बात हो ही नहीं रही है, राइट? और आगे करेंगी, अगर अंशुल भाटिया मैम इतनी एजुकेटेड बैकग्राउंड से होकर, वीना भाटिया मैम जो इतने एजुकेटेड बैकग्राउंड से होकर वो कर सकती हैं, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। तो यही सवाल आज उन सभी महिलाओं से है, उन सभी पुरुषों से है जो मुझे सुन रहे हैं, कि अगर हम कर सकते हैं, क्या हम किसी की पत्नी नहीं है, क्या हम किसी की बेटी नहीं है, क्या हम किसी की बहन नहीं है, या हम किसी की माँ नहीं है, अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट? सबको तर्क करने का जरूर हक है, परंतु हमें रोकने का हक किसी नहीं। और ये मैं सभी महिलाओं से कहूंगी कि आपको एडवाइस चाहे लोग दें, परंतु उस एडवाइस को लेना है नहीं लेना है ये आपके हाथ में है। आपके सपनों की डोर, वो जो कहते हैं ना पतंग जब आप उड़ाते हैं तो डोर आपके हाथ में है कि आपको कटने देनी है अपनी पतंग या नहीं देनी है, राइट? तो चित्रा जी आपसे हम और थोड़ा जानना चाहेंगे कि जब ऐसी चीजें, ऐसी आलोचनाएं आती हैं, और बाहर के लोग तो बाद में, जब अपने ही लोग सास ससुर या और भी लोग, घर के लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं बंधे भी होते हैं समाज से, उसके बावजूद किस प्रकार हैंडल करना चाहिए? और जो महिलाएं सुन रही हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा गांव का एक्सपीरियंस आपको है, काफी ज्यादा सालों का है, तो किस प्रकार से ये हैंडल किया जाता है आप, या कैसे महिलाओं को करना चाहिए और आगे आना चाहिए, प्लीज बताएं। मैम जैसे कि हम लोग ग्रामीण परिवार से हैं, बिलोंग करते हैं, तो मैम इसमें बहुत सी समस्याएं भी आती हैं समाज को लेके। एक बहू जब घूंघट उठा के बाहर, पहले जब घूंघट में रहती हैं और फिर अपना घूंघट उठा के स्टेज पे जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना होता है, और फिर उनको फेस करते हुए आप बिजनेस कैसे करेंगे? माइंड तो डिमोटिवेट तो पहले ही हो जाएगा उसका। लेकिन इसमें एक नारी की शक्ति होती है, उसका पति, उसका अगर पति उसके साथ में है, पति पत्नी अगर इस, जैसे कि गाड़ी के दोनों पहिए अगर एक साथ चलेंगे वो सक्सेस हैं। आप नजर करके देखिएगा मैम कि सभी को देखने की बात है कि हमारे आईएमसी प्लेटफॉर्म में जितने भी सक्सेस स्टोरीज हैं वो सब फैमिलियर हैं। भाटिया मैम है, बीना मैम है, जो फैमिली बिजनेस ही मतलब प्लेटफॉर्म फैमिलियर चलता आया है, तो हम लोग सब फैमिलियर जो है वो सक्सेस हैं। और जहाँ अकेले की बात करें कि हम एक हैकड़ी में रह जाएं, एक वुमेन्स अपनी दिखाए कि नहीं मैं महिला हूं, मैं कम नहीं हूं, मैं ये कर सकती हूँ, तो और पति ये कहे कि नहीं तुम्हारी जरूरत ही नहीं है इस बिजनेस में, मैं अकेला ही काफी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है मैम। अगर गाड़ी के दोनों पहिए बराबर चलेंगे तो गाड़ी बहुत अच्छे से चल पाएगी, अपनी सक्सेस, अपनी मंजिल को आगे हासिल कर सकेगी। और रही बात तानों की, तो मैम सास ससुर जो भी हैं, उनके भी जो पेरेंट्स थे, उनके भी जो सास ससुर थे, उन्होंने वो बैकग्राउंड देखा है, उन्होंने वो पिछड़ापन देखा है, उनकी सोच वो नहीं चाहते, उनकी सोच ऐसी है, माँ की पापा की सोच ऐसी, हम सोचते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं, उनके साथ में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत से समाज से वो भी पीड़ित रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं, वो ऐसा हम लोगों में देखते हैं, लेकिन हम उसको, हर एक नफरत को प्यार से जीता जा सकता है, नफरत से नहीं जीता जा सकता। तो मेरी जो सास है ना वो बहुत अच्छी हैं, और हालांकि वो भी ग्रामीण परिवार से हैं, उनको भी थोड़ा फेस करने में दिक्कत हुई थी, लेकिन जब हम लोगों ने प्यार से उन लोगों के बैठ के हम लोगों ने प्यार से उनसे कंसल्ट किया, तो आज मैम वो खुद मुझे ये कहती है घर को मैं संभाल लूंगी तुम जाओ। कितनी बड़ी बात है मैम। तो ये मैम मेरे साथ ही नहीं, जब मैं कर सकती हूँ तो हर वुमेन्स भी कर सकती हैं, हर महिला भी कर सकती हैं, लेकिन हम अपने ईगो को थोड़ा सा हमको डाउन करना होगा, और हमें उनके साथ कॉपरेट करके और उनको साथ, एक साथ अपने कदम एक साथ साथ लेके हर हमें जाना होगा। मैंने मेरी सास को एक वर्कशॉप अटेंड करवाई थी मैम, जिसमें कम से कम 2000-3000 लोगों की गैदरिंग थी, और जहां मैं ससुर से घूंघट निकालती थी या पर्दा रखती थी, और वहां जाके मुझे स्टेज पे सम्मानित जब किया तो मैं बिल्कुल फ्री पल्लू थी, तो पापा मम्मी जब सामने थे तो बहुत बड़ा एक वो बहुत बड़ा था मेरे लिए कि मैं पापा के सामने ऐसे कैसे हूँ,
लेकिन उस जगह मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरी सास ने भी किया कि वो एक प्लेटफॉर्म है, वहां आप सबकी नजर में बेटी हो, किसी की बहन हो, तो उन्होंने मुझे बेटी की नजर से देख के मुझे वो सम्मान, मुझे आज भी वो दिन याद है। तो मैम हम जब कॉपरेट करके चलते हैं ना पेरेंट्स से, तो वो भी हमारे साथ हो जाते हैं। और मैम जब हम लोग एक देश के प्रति, समाज से, पहले तो सबसे पहले घर से, फिर अपने समाज से और फिर देश से, जब हम उनको कवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैम बताइए माँ बाप साथ नहीं होंगे, या पति साथ नहीं होगा, या भाई साथ नहीं होंगे, सब साथ हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि लोगों को अपनी सोच अपने आप ही बदल जाएगी जब वो हमारे कार्य को देखेंगे। अभी महाशय जी जो कह रहे थे पैसा 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 हाथ का मैल है मैम, आज कमाया जाता है कल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे के साथ में एक स्त्री का सम्मान कितनी बड़ी बात है। एक महिलाओं का सम्मान जो हमें आईएमसी में दिया जा रहा है, किसी की नौकरी करने को नहीं सिखाया जा रहा, जो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी गुरुमुखी हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब गुरुमुखी हैं, हम लोग सम्मान करते हैं हमारा समाज का, हम लोग सम्मान करते हैं अपने माता पिता का, हम लोग सम्मान करते हैं हमारी समाज का, लेकिन हम भी उसी समाज में से उठ के निकल कर आए हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं कि हम लोग उनका अनादर करें, उनका आदर करते हुए और उनको सम्मान देते हुए अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना अपने माता पिता के साथ में, तो ये कितनी बड़ी बात है। और ये बिना मैम ने हमको बहुत अच्छे से सिखाया है, आज वो भी तो अपने बहू को बेटी की तरह रखती है। बिल्कुल, क्या हमारी सास हमको बेटी की तरह नहीं रख सकती है क्या? तो इसकी जो नींव जहां से लगी है आईएमसी की, तो वो आज हमारी पूरी महिलाओं को यही सिखाती है कि जैसे बिना मैम और अंशुल मैम जैसे रहती हैं माँ बेटी की तरह, वैसे सास बहू ये भी रह सकती हैं, हम भी हमारे बच्चों को ऐसा रख सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं। तो मैम मुझे तो इसमें कोई कमी नजर आती ही नहीं है, और लोगों को जो कहते ना नजर भी ऐसी है ऐसे लोगों की, और उनके नजरिए भी खराब ही है, तो जिस दिन वो नजर और नजरिए को बदल लेंगे ना अपने आप को, तो उनके घर की महिलाएं ना बहुत ही आगे आगे तक जाएंगी वो। बिल्कुल। और रही बात मैम अभी अगर ऐसे हम तो कुछ क्या कहेंगे, लेकिन कहते हैं ना वक्त सब चीज को बदल देता है। ठीक है अभी ये जो जुनून है कई लोगों को कि हम अकेले पुरुष कमा लेंगे, पर अभी तो कोरोना देवता आया ही है, कहते हैं ना अभी तो बुआ जी आई है, फूफा जी आना बाकी है, तो समय के दौरान जब जैसे जैसे प्राकृतिक प्रहार होंगे ना, तो अकेले के कमाने से तो कुछ होगा नहीं, दोनों साथ चलेंगे ना तभी गृहस्थी आगे अच्छे से चल पाएगी। तो हम क्या समझाएंगे, नहीं तो वक्त ही समझा देगा। ऐसे लोग तीन बार कहेंगे कल को कि चलो तुम भी हमारे साथ में, तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब चित्रा जी, बहुत खूब गिरिजा, इतना ज्ञान का भंडार, you know? नहीं मैम आज आई थिंक ये पहली बार हुआ है कि दीपशिखा शिवकांत मिश्रा कम बोली है और कवर नहीं करना पड़ा है, और सच में आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यू नो जब अपनी टीम, अपनी आईएमसी पूरी फैमिली है, जब परिवार के लोग आकर अपनी बातें इतने जज्बे से रखती है ना, बहुत प्रसन्नता होती है। इनफैक्ट आपको भी होगी जब कल को आप यू नो सीपी बनेंगे, आपके नीचे जो महिलाएं होंगी वो आपको कहेंगे कि आप उनकी प्रेरणा हैं। ये एक सबसे बड़ा सम्मान, यू नो पैसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा तो हम बेलदारी करके भी कमा सकते हैं, लेबर करके भी कमा सकते हैं, परंतु जो इज्जत है ना, जो मान सम्मान है, वो अरसों की मेहनत के बाद हमें प्राप्त होती है। तो इतने सारे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया हमें कमेंट्स लिख रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं जो आपके जवाब से बहुत प्रसन्न हैं, आपका नाम लिख लिख कर आपको थैंक यू बोल रही हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप माँ और बेटी की इस खूबसूरत जाबाज योद्धा जोड़ी ने इतनी सारी महिलाओं को प्रेरित किया है, सपने देखने का एक नजरिया दिया है। बहुत खूब आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का आज आप हमारे साथ हैं अभी तक समक्ष, और 30 लोगों से हम रूबरू हो रहे हैं, और आई थिंक लोग बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। सो अगेन कुछ क्षण और हैं हमारे पास, तो गिरिजा
आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आज की पीढ़ी को, महिलाओं को या पुरानी पीढ़ी को भी, जो आपको लगता है जो सपोर्ट एक लड़की के नाते आप डिजर्व करती हैं, या और लड़कियां जो कहीं ना कहीं सपोर्ट के ना मिलने के कारण नहीं आ पा रही हैं, तो आप क्या अपने आखिरी शब्द बोलना चाहेंगे सबसे? सबसे पहले तो मैम, जो गर्ल्स हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, ये सब उन्हीं के लिए है। और जैसे कि मुझे अब ऐसे लग रहा है कि ठीक है, मैं एग्जांपल बन रही हूँ जो यूथ है उनका, तो उनको तो बस कहना चाहूंगी कि वो मुझे देख लें, बट कहीं ना कहीं उन्हें एक पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत जरूरी होता है लाइफ में, और कभी स्पेशली बॉयज को नहीं लेकिन गर्ल्स को ज्यादा होता है सपोर्ट, क्योंकि गर्ल्स सेंसिटिव भी होती हैं थोड़ी थोड़ी, उनका जो कहते हैं कि बाहर जाने का एक्सपीरियंस भी कम होता है, दुनियादारी का एक्सपीरियंस कम होता है, तो उस सब कम एक्सपीरियंस की वजह से कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बच्ची को ऐसे समझते हैं कि वो सब हैंडल नहीं कर सकती है, तो उनको सभी को मैं ये कहना चाहूंगी कि वो हैंडल कर सकती है लेकिन उसको एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बॉयज जेंट्स वगैरह जब बाहर जाते हैं तो वो कब सीखे हैं, वो भी जब सीखे हैं जब उन्होंने ये चीज फेस की है। आप जब तक कोई चीज फेस नहीं करोगे तब तक आप ना हैंडल कर सकते हो ना कभी बोल्ड बन सकते हो। इस बारे में एक इस IMC प्लेटफॉर्म से मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी है कि जब मैं अपने मैं बहुत टाइम से, जैसे स्कूल टाइम में थी मैं, तो मेरी ऐसे मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, तो हमेशा से मेरा ये रहा था कि कभी मैं यार स्टेज पे खड़ी हूँ स्कूल के स्टेज पे, और वो मैं जो स्पीच करती है ना, तो एक लड़की ने स्पीच करी थी तो लोगों की आंखों में से आंसू आ गए थे मेरे स्कूल में, तो मुझे ऐसे लगा था कि यार मैं काश मैं भी स्पीच कर सकती और ऐसे लोग रोते मेरी स्पीच में, पर मुझे नहीं पता था कि भगवान ने मेरी ये किस्मत में लिख के ही भेजा है कि तुम्हें स्टेज ही पकड़ाएंगे अब। तो वो चीज मुझे जब मिली आज, पहले तब ऐसे सोचती थी कि भाई बहुत डर था मेरे में कि मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे हैंडल होगा, पर अब तो मजा ही आ गया कि IMC प्लेटफॉर्म ने इतना कुछ सिखा दिया मुझे। आज इतने लोगों को आपसे, मैं नए लोगों से तो इतनी शाय गर्ल थी कि मैं नए लोगों से बात तक नहीं कर सकती थी, तो वो सिखाया मुझे, तो मैं तो IMC प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहूंगी और उन सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी कि वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसमें सिर्फ आपको पैसा मान सम्मान नहीं, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरूरी नहीं आप IMC में ही अपनी लाइफ बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप IMC में ही, लेकिन इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे आप IMC करें चाहे कुछ और करें, कुछ भी करें, लेकिन आप में एक जो टैलेंट दिखता है ना, वही कहते हैं कला को ही नमन होता है, कला को ही नमस्कार किया जाता है, तो वो कला यहाँ IMC से मिलती है, और वो सारी जो यूथ है जो गर्ल्स है वो यहाँ पे पा सकती हैं, जो वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई ये जो चीज फेस नहीं कर पाता तब तक लड़कियां सीख नहीं पाती है। पर मैम ऐसा लग रहा है मुझे, कई अनजान लोग जो हमें सुन रहे हैं ना, तो उन लोगों को लग रहा है कि ये दोनों माँ बेटियां इतना इतना बोले जा रही हैं, इनको IMC क्या है, IMC से इनको ऐसा क्या मिल गया है, IMC में इन्होंने इतना क्या फील किया है, बहस बहस छिड़ी हुई है कमेंट सेक्शन पे, पागल हुए जा रहे हैं वो बहस, कहते हैं ये IMC है क्या, क्या है ये IMC, लोग लिख रहे हैं, तो इसका आप ही लोग जवाब दीजिए कि जो हम IMC कर रहे हैं ये है क्या। तो गिरिजा मैम बताएंगे IMC क्या है, इनको तो बहुत अच्छे से मिला है ये सब। बिल्कुल IMC एक हमारा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी जिंदगी बना सकते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, और कहते हैं कि जॉब करने में आप गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, मानते हैं लोग मानते हैं, पर अब गवर्नमेंट दे कहाँ से जॉब, इतने लाखों लोग एक एक जॉब एक 5-6 सीट के लिए वो इतने लाखों लोग वो फॉर्म भरते हैं ना, तो मेरा दिल दुखता है, भगवान आज मेरे को कोई बोल देना तू नीट का एग्जाम दे, मेरे को डर लगता है उस चीज से कि इतने लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, पूछो मत, इतने डॉक्टर जाएंगे कहाँ पे। तो IMC प्लेटफॉर्म तो खुद का डॉक्टर खुद ही को बनाता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है इसमें, और दूसरा ये है कि खुद के जब डॉक्टर खुद ही बन गए तो आप अपनी लाइफ भी खुद ही बना सकते हैं, और वो प्लेटफॉर्म IMC ने दिया है जहाँ पे आप कुछ नहीं
खुद के लिए थोड़ा भला करना है और दूसरों के लिए थोड़ा भला करना है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और धीरे धीरे कहते हैं कि दुआएं बहुत रंग लाती हैं, तो दुआएं तो यहाँ पे मिलती हैं। धीरे धीरे जब दुआएं इकट्ठी हो जाएंगी तो वो रंग तो जरूर लाएंगी। और ये जो प्लेटफॉर्म है और स्पेशली यूथ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉब्स आजकल नहीं रही है किसी के लिए भी, तो आज जैसे डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, और हालांकि ये हमारे इंडिया में बहुत कम चल रहा है और विदेशों में बहुत ज्यादा इसको महत्व दिया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया भी ये चीज समझ रहा है, क्योंकि कोरोना ने उनको ढंग से सिखा दिया है कि जॉब कहीं नहीं पड़ी है, खुद का बिजनेस करना बहुत जरूरी है। और ये खुद का बिजनेस करके डायरेक्ट सेलिंग का जो रुख आया है आगे आने वाले समय में, सुना है 2025 तक तो पूरा डायरेक्ट सेलिंग छा जाएगा, तो वो डायरेक्ट सेलिंग अभी से जो पकड़ लिया उसकी जिंदगी बन गई, और जो थोड़ा डिले हो गया ना, बोलते हैं डिसीजन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो जिसकी डिसीजन पावर अच्छी है तो वो तो जीत जाएगा, बाकी फिर वो कहते हैं क्या अफसोस करेगा, तो वो अफसोस जिंदगी में कभी नहीं रखना चाहिए, जल्दी से डिसीजन ले। और डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा कदम है लोगों के लिए, उसमें जरूर कदम उठा, और उसमें भी सबसे बेस्ट है IMC, क्योंकि ये लोगों का सिर्फ ये एक IMC दवाइयां बेचना ही नहीं है या साबुन तेल बेचना ही नहीं है, यहाँ पे लोगों की जिंदगी बनी है तब जाके इतनी बातें हो रही है। हम क्यों कर रहे हैं इतनी बातें, इतने खुश हम पता नहीं क्यों है, वो तो हमें पता है ना क्यों है हम खुश, क्योंकि हमने वो खुशी पाई है, इसलिए तो आप लोग भी पा सकते हैं इसी के साथ। लेकिन फिर भी अभी लोग बाबू को इतना जानना है कि ये दोनों माँ और बेटी जो बैठे हैं, और इन दोनों ने ऐसा क्या यूज किया है या इन्होंने क्या किया है ऐसा, तो ये जानने की बड़ी उत्सुकता है। प्रोडक्ट तो, के बारे में भी बताएं हमें कि, इसलिए मैम मैं कह रही थी इन लोगों को कि जैसे मैंने अभी बताया आपको, जर्नी बताई कि गुड आइम सी। हेलो गिरिजा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एनीवेज तकनीकी दिक्कतों के कारण आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, बट बहुत जल्द हमें वो वापस ज्वाइन करेंगे, गिरिजा जी और चित्रा जी हमें वापस ज्वाइन करेंगे। सो गुड आइम सी, आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, मेरे ढेर सारे विशेज आप सबके लिए। मैं आप सभी के मैसेजेस पढ़ रही हूँ, और रोमी गर्ग जी, रेणुका जी, अपर्णा देशमुख जी हमें देख रही हैं, मोनाली बरास्कर जी हमें देख रही हैं जो कि मेरी टीम से हैं, मेरी चेयरमैन स्टार्स हैं, निधि मार्को जी जो छत्तीसगढ़ से हैं इस वक्त मुझे देख रही हैं। यस, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड आइम सी। यस गिरिजा जी, चित्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, गुड आइम सी मैम। गुड आइम सी, गुड आइम सी जी, आप कंटिन्यू करें। जी मैम, जी चित्रा जी, आप हमें कुछ बता रहे थे। जी मैम, लोग बात जानना चाहते हैं कि मैम ने, माँ बेटी ने दोनों ने क्या किया है ऐसा, तो माँ तो एक मार्गदर्शन रह गई बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को भी इतना कष्ट था, शारीरिक कष्ट जब मुझे था, तो जैसे IMC की मेडिसिन मैंने यूज की तो मैं ठीक हुई, और यूज करवाया तो लोग ठीक हुए। अब लोग ठीक हुए, लोग दुआ भी देने लगे, और कहते हैं ना कि जहाँ भला करने चाहो तो अगर थोड़ा लाभ भी आपको मिलने लगे तो उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए, तो हम तो प्रसाद ही ग्रहण करते हैं लोगों का जब लाभ होता है तो दुआ भी देते हैं, और उनसे थोड़ा लाभ होता है, भला करते हैं तो हमें भी थोड़ा लाभ होता है। ऐसे ही मैंने मेडिसिंस पे, जैसे मैं एक, मुझे कोई डेमो देने की जरूरत नहीं पड़ती मैम, जहां तक हो सकता है ना मैं डेमो देती हूँ, क्योंकि मैं खुद डेमो हूँ मैं जीता जागता डेमो हूँ मेडिसिंस लेवल के मामले में, मैं खुद जीता जागता डेमो हूँ। मुझे कोई से भी मेडिसिंस पूछ लो, क्योंकि एडी से चोटी तक मुझे सारी बीमारियां थी। हाँ मैम, इनका वेट था 95 और अभी देखें तो आप 71, आई थिंक 72, हाँ 72 वेट। मैंने IMC की मेडिसिन से इसको कवर किया है, जबकि इन्होंने फैट लॉस का कुछ नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ जॉइंट पेन का लिया था उसी में। तो कमाल है IMC के प्रोडक्ट का कि वो एक बीमारी में नहीं 10 बीमारी में काम करती है। और जहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करूं मैम,
तो उसका भी मैं डेमो नहीं देती, क्योंकि कहते ना 18 साल की उम्र में जवां रहे कोई खास बात नहीं है, लेकिन इंसान 40 साल की उम्र में जवां दिखे वो आईएमसी का ही कमाल हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। तो इसलिए सिर चढ़ के बोलता है आईएमसी का जादू जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हैं। और जैसे आपके चेहरे पे भी देख लीजिए कितना ग्लो है, दिख रहा है ज्यादा ग्लो आपके चेहरे पर है। तो आप भी दोनों माँ बेटी अपने इस ग्लो का सबको ये रहस्य भी बताएं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी पूछा था जब मैं आपसे उदयपुर में मिली थी कि राज क्या है, तो अब आप आज राज खोल दें जनता के आगे, आप जनता को बताएं। मैं आईएमसी के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मेरे मतलब आईएमसी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, किचन से लेके बाथरूम से लेके मेरी ड्रेसिंग टेबल तक आपको सारे प्रोडक्ट आईएमसी के मिलेंगे। और मॉर्निंग टू इवनिंग जितनी भी शुरुआत मेरी जहां तक होती है और जहां रात होती है आईएमसी प्रोडक्ट से ही होती है, क्योंकि मैम हमने सिर्फ एक दुकान बदली है उसमें हमारी जिंदगी बदल दी। तो जैसा हम लोगों ने किया है ना, वैसा हर एक नागरिक, एक देश का नागरिक जिसका उसका कर्तव्य भी है, उसका दायित्व भी बनता है कि वो देश के प्रति काम करे। मेरा मानना यह है कि वो स्वदेशी, आज हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, हमारा स्वदेशी मिशन है, आज हम सारा वुमेन पावर किस पे वर्क कर रहा है। और आज हम वुमेन पावर की बात करें तो हम नारी शक्ति इकट्ठा क्यों हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा किरदार वुमेन्स का ही है। घर में आज सुबह उठने, किचन से लेके बाथरूम से लेके ड्रेसिंग से लेके मेडिसिन से लेके जितना एक माँ, एक पत्नी अपने घर को जो सिक्योर रखेगी, अपने अच्छी चीजों का जो चयन करेगी ना, वो सिर्फ एक औरत ही करेगी। और जो हम लोग अपनी दुकान जब बदलेंगे ना, वो घर की शुरुआत एक औरत ही करेगी। इसलिए मैम हम इस बिजनेस को बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद बताते हैं कि हम लोगों ने जो मेडिसिन इसके लिए, आज भी मैम जैसे नोनी जूस है, हिमालयन बेरी है और गौमूत्रा है, और इसकी अभी ग्लूकोसामाइन टैबलेट आई है, और ओमेगा 3-6 ये जो है पैन अवे टैबलेट है, और कैल्शियम टैबलेट है, एलोकेएलडी है, आज भी मैं प्रॉपरली मॉर्निंग टू इवनिंग इनको लेती हूँ। और इनकी दिन की शुरुआत मेरी इनसे ही होती है और रात भी मेरी इनसे ही होती है। और आज मैं स्वस्थ हूँ और मुझे लोग बात देख पाते हैं, सुन पाते हैं। मैं एक घंटे तक खड़ी होकर स्पीच कर लेती हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि मेरे पाँव में भी दिक्कत है। ये बहुत बड़ी बात होती है मैम। और रही बात ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, जहाँ बात करूँ तो कहते हैं ना उम्र बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 40 साल की उम्र में भी अगर लोग आपको ये बोले कि वाओ कितना ग्लो है, तो मैं इससे बड़ा प्राउड और कुछ नहीं हो सकता, और वो आईएमसी प्लेटफॉर्म से हो सकता है। क्योंकि जवानी में तो नजरें टिकती हैं, लेकिन बुढ़ापे में भी अगर आके इंसान ये क्या यूज करती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आईएमसी प्रोडक्ट वो ऑर्गेनिक चीजें हैं, विदाउट केमिकल हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ दुकान बदली है और लोगों को दुकान बदलवाई है, और आज वो स्वस्थ भी हैं। और जिनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने को दिए हैं, जैसे छाया ट्रीटमेंट है, पिंपल्स ट्रीटमेंट है, और हेयर फॉल है, स्किन प्रॉब्लम जो भी है, और महिलाओं के लिए जैसे कि यूट्रस प्रॉब्लम है, लिकोरिया है, कई महिलाओं की बहुत गुप्त बीमारियां जो होती हैं, तो मैं एक महिलाओं की जिसको फील करती हूँ ना, और मैं उनको जब ट्रीट करती हूँ तो महिलाएं बहुत दुआ देती हैं। जो मैम 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करके महिलाओं के ट्रीटमेंट नहीं होते, कहते हैं यूट्रस रिमूव करवा लो, तो आज आईएमसी की बदौलत आज उनको वरदान बनकर उस आईएमसी उनकी जिंदगी में आया है, तो मैम क्यों नहीं वर्क करेंगी। हम लोग बोलते हैं ना कि आईएमसी के सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर स्पेशली मैं सेनेटरी नैपकिन को इतना प्रिफर करती हूँ, क्योंकि इवन मैं मैम कोई भी मीटिंग जो होती है तो बहुत मैं मीटिंग करती हूँ लेडीज की, ओनली जेंट्स भी होते हैं लेकिन लेडीज भी होती है, वहां पे मैं खुल के बात करती हूँ इस बारे में, तो कई लोग शर्माती हैं, कई लोग हाँ ठीक है हाथ मिलाती हैं, ठीक है अच्छी बात है ये है, पर जब वो उसको देखती है ना सेनेटरी को, जब मैं बताती हूँ तो उनका दिमाग घूम जाता है, पता नहीं ये क्या चीज थी। तो मतलब एक महिलाएं कई शर्म से नहीं बता पाती हैं, पर आज बात करें तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, एक बहुत बड़ा तो उसका निदान भी चर्चा का विषय बन चुका है।
बिल्कुल, ना कि सिर्फ महिला, इनफैक्ट पुरुषों को भी जिस बात की चर्चा करनी चाहिए, जिस बात की मैं तो कहूंगी नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ये एक चर्चा का विषय है जो कि पीरियड्स है। काफी लोग इसको प्रॉब्लम कहते हैं, बट ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये स्वाभाविक चीजें हैं जो कि जरूरी है। ये तो प्राकृतिक है, महिलाओं के लिए प्राकृतिक चीज है ये तो, लेकिन उसको उसको एक बीमारी से ना जूझे, मतलब उसमें भी उन दिनों में भी वो अच्छे से रह पाए, खुश रह पाए, सेफ रहे, सिक्योर रहे हैं। तो ये चीजें आईएमसी ने जो एक 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 मैम मैं इसके मैंने अनुभव किया है कि इसका जो एक एक प्रोडक्ट है ना, मैंने पहले खुद पे यूज किया है, तो इतने यूनिक और मतलब इतने कारगर सिद्ध है ये, तो मुझे अब हिचकिचाहट नहीं है जैसे। और मैं जो मेरी जो टीम है उनमें भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तब नहीं होगी तब वो खुद यूज करेंगी। तब कहते हैं ना गुरुजी बैंगन खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप बैंगन मत खाना, तो ऐसा नहीं है। आप पहले 100% खुद पे यूज करो, फिर आगे दूसरों को बताएंगे अपन, तो वो ज्यादा मानेगा कि हाँ कि इसका रिजल्ट अच्छा है। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मैंने कंप्लीट यूज किए हैं, स्क्रब है, फेयरनेस क्रीम है, एलो क्रीम है, वो दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ मैम, क्योंकि जैसे मैं भी जूम मीटिंग करती हूँ तो मेरा भी वुमेन एम्पावरमेंट से ज्यादा ही कुछ है लगाव, तो उसमें करती हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है अब कि लेडीज बैठी हुई हैं तो उनमें से देख के बता सकते हैं भाई इसने आईएमसी प्रोडक्ट यूज लिया है, चेहरा चेहरा बोल देता है उसका आईएमसी प्रोडक्ट यूज लिया हुआ होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आईएमसी वाला सबसे अलग दिखता है। तब बिल्कुल किचन में भी देखे ना मैम, तो किचन में भी वुमेन्स ही महिलाएं तो काम में लेती हैं, किचन महिलाएं चलाती हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो आईएमसी बिजनेस है ना वो महिलाओं से खूबसूरत कोई कर ही नहीं सकता है, नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो महिलाएं जो इस बिजनेस को जितना कर सकती है ना वो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि किचन, बाथरूम, ड्रेसिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, होम मेडिसिन वगैरह सब महिलाएं संभालती हैं। मालिक तो वही है घर की मेन। हाँ, होम मिनिस्टर है मैम वो। बिल्कुल, बिलिंग जहां से करेंगी ना वो तो होम मिनिस्टर ही करेगी, तो हम तो काम भी उन्हीं पे करते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका भी मानना है कि महिलाएं बेस्ट चॉइस हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के लिए, यानी आईएमसी के लिए। और मैं ये जब से मैंने कदम रखा है आईएमसी में, मैं ये सबको बताती आई हूँ, कहती आई हूँ कि महिला बेस्ट चॉइस है। जितने भी लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप लोग अगर प्रोस्पेक्टिंग फील्ड पे करते हैं तो फोकस करें महिलाओं पर, क्योंकि जो तमाम दिक्कतें भी होती हैं वो ज्यादातर महिलाओं को होती हैं, और जो प्रोडक्ट्स की वेरिएंट्स हैं वो पुरुष से ज्यादा महिला ही समझेंगी, चाहे वो किचन वेयर है, चाहे वो यू नो और सारे जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं आईएमसी की, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब एक महिला सलाह देती है ना कि मैंने अपने बच्चे पर ये इस्तेमाल किया है आप करके देखिए, तो वो 100% वो अगली महिला उसका इस्तेमाल जरूर करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। काफी बार होता है हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं और कहते हैं वहां पे इतने का सेल लगा है, वहां की साड़ियां बहुत सुंदर हैं, तो 10 महिलाएं जो हमारी फ्रेंड्स होती हैं वो अगले ही दिन उस दुकान पर पहुंच जाती हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो जो कनेक्टिविटी होता है ना एक महिला का, वो बहुत ही शार्प होता है। तो वही मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा शिवकांत मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ। आप अपने सपनों को एक और मौका दें उन्हें पूरा होने का, और जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो गिरजा फेसबुक पर आपको मिलेंगे, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यू नो गिरजा, अगर आप चाहें तो अपने फादर का नंबर भी आप कमेंट सेक्शन पर प्रोवाइड कर सकती हैं, ताकि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इनके साथ इस बिजनेस को तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका स्वागत है, और मैं जानती हूँ आज बहुत लोग मोटिवेट हुए हैं इस माँ और बेटी की सुंदर सी योद्धा जोड़ी से। सो इसी प्रकार इस सीरीज में बहुत सारे ऐसी ही महिला योद्धा हर रोज ठीक 5 बजे लाइव मेरे साथ आएंगी मेरे इस शो वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में, और कल भी मेरे साथ एक ऐसी ही जाबाज महिला आने वाली हैं। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा, और ठीक 5 बजे तैयार रहिएगा हमारे साथ लाइव आने के लिए। और चित्रा जी और गिरिजा जी, बहुत बहुत एक बार फिर से आपका धन्यवाद कि आज आप दोनों ने अपनी उपस्थिति हमारे इस शो में दी, और इतनी अच्छी अच्छी बेहतरीन बातें
आज मैंने आपसे पर्सनली बहुत कुछ आज सीखा है। मैं भी काफी बारी ऐसा होता है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर जरूर हूँ पर कहीं ना कहीं एक महिला हूँ तो मैं डीमोटिवेट कहीं ना कहीं हो जाती हूँ कुछ कुछ बातों को लेकर। बट आज मैं बहुत ही फ्रेश, बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का मुझे मोटिवेट करने के लिए और तमाम मेरी महिला सखियों को मोटिवेट करने के लिए जिन्होंने आज हमें सुना है। सो थैंक यू वेरी मच रेणुका जी, मैं आपको देख पा रही हूँ। और हाँ, जितनी भी महिलाएं मेरे साथ लाइव आना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी टीम की हैं, राइट, अगर वो आईएमसी में है, वो किसी भी टीम की है, उनके सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट या क्राउन प्रेसिडेंट कोई भी है, अगर वो आईएमसी से हैं, वो मेरे साथ, मैं आपको न्योता देती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप मेरे साथ लाइव आ सकती हैं। यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है कि आप किस टीम से हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक आईएमसीएन हैं, आप महिला योद्धा हैं मेरी और हमारी कंपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन आईएमसी की, तो आपका स्वागत है, आप मेरे साथ लाइव आइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। और जो मेरी इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं श्रीमती श्रुति सुमित तिवारी जी, उनका नंबर भी आपको इस वीडियो के कैप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन पर भी मिल जाएगा। जिस भी महिला को मेरे साथ लाइव आना है, मेरे इस चैनल पर अपने दिल की बात रखनी है, अपने सपनों की उड़ान भरनी है, वो मेरे साथ लाइव आ सकती हैं। मैं आप सबका इंतजार कर रही हूँ और जिनके पास मेरा नंबर है वो लोग भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और चित्रा जी, गिरिजा जी, अगर आपकी टीम में भी ऐसी महिलाएं हैं जो आना चाहती हैं लाइव, आप जरूर हमें, हमारे कोऑर्डिनेटर को कॉन्टैक्ट करके उन्हें बता सकते हैं। सो आसिमा जी, ग्राइम सी, यस ग्राइम सी, प्रीति जी, ग्राइम सी, श्रेया सिंह जी, आप दोनों से आज बहुत मोटिवेट हुई हैं। आई थिंक मैं करीबन उनके 15 कमेंट्स पढ़ चुकी हूँ जो वो आप लोगों के लिए लिख रही हैं, वो आप लोगों से बहुत मोटिवेट हुई हैं। श्रेया जी थैंक यू वेरी मच। चित्रा जी और गिरिजा, आपको जरूर रिप्लाई करेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। आपको जैसे ही समय मिले आप प्लीज उनको रिप्लाई जरूर करिएगा, उनके कमेंट्स को। थैंक यू वेरी मच चित्रा जी और गिरिजा जी, बहुत खुशी हुई आज आप आए। और जी, तो आज की हम आप क्लोजिंग करेंगे एक सॉन्ग के साथ। अगर अभी भी आप हमसे कुछ और हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो ओवर टू यू। हाँ जी, क्या आज का तो जी, अगर आप फिर भी कुछ मैसेज अगर आप देना चाहते हैं ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं। जी मैम, मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी बात हो गई और मेडिसिंस की भी हुई, तो महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि किचन वो संभालती हैं तो किचन पे भी ज्यादा फोकस, आयुर्वेदिक जो हमारे आईएमसी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इसका मुझे सबसे फेवरेट प्रोडक्ट लगता है इसका टमाटो सॉस। आज बच्चे को मैम एलोवेरा अगर हम खिलाएं तो बच्चा नहीं खाएगा, लेकिन जो आज हमारा ये प्रोडक्ट जो टमाटो सॉस जो बना हुआ है प्योर एलोवेरा से बना हुआ है, उसमें कई हिमालयन बेरी है, एलोवेरा है, मंजिस्टा है, अश्वगंधा है, जो आज हम बच्चों को नहीं खिला सकते हैं, लेकिन आज एलोवेरा के मतलब कि इसके टमाटो सॉस के जरिए आज हम लोग बच्चों को खिला सकते हैं, तो ये हेल्दी है। ऐसे ही आप किसी भी चीज को, आप किचन में भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप एक बार उसको देखिए, उसका स्टडी कीजिए कि उसका उसमें कंटेंट्स क्या है, हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, हम किचन में क्या यूज कर रहे हैं, उनकी सारी जो ये दिमाग में महिलाओं को रहता है कि अरे यार ये महंगे हैं प्रोडक्ट, तो मैम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज टर्मरिक भी लेके आती हैं, हल्दी भी लेके आती हैं, परचेस करती हैं। कई महिलाओं का मैम मेरे पास शिकायत आती है कि मैम आपके ना ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मैं ये कहती हूँ कि जैसे आज हमारी आईएमसी ने एक प्रोडक्ट निकाला है श्री हल्दी, उसका करक्यूमन निकाला है, 20 ml करक्यूमन निकाला है, तो मैं ये कहती हूँ कि महिलाएं जो मार्केट से हल्दी लेके आती हैं, सभी हल्दी का करक्यूमन निकला हुआ रहता है, तभी तो विदेशों में जाके कैप्सूल बनते हैं और उनको हम लोग सेवन करते हैं, लेते हैं पैसा खर्च करके, 2000 का पैकेट आता है, तो मतलब कचरा खा रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि हम प्योर चीज खा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उसका करक्यूमन निकला हुआ है। वही चीज आपको आईएमसी एक आयुर्वेदिक आपको एक प्योर चीज दे रहा है, आपको प्योर टर्मरिक दे रहा है, प्योर आपको टमाटो सॉस दे रहा है, प्योर आपको जैम दे रहा है, मतलब हर एक चीज में प्योरिटी जिसमें है। राइस ब्रांड ऑयल है, आज जिसके घुटनों में दर्द है हम लोग उसको कहते हैं कि आप एक चम्मच उसका सेवन करो, चाहे आप ऐसे चम्मच से लो, चाहे रोटी पे चुपट के खाओ, चाहे पराठे पे लगा के खाओ, कैसे भी खाओ, तो ये कहीं ना कहीं मैम महिलाओं का एक किरदार, एक रोल है इसमें, कि जो घर को स्वस्थ रखती हैं तो उनको फोकस करना चाहिए
किचन प्रोडक्ट है मैन, उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अंदर वाला सिस्टम सही होगा ना तो बाहर अपने आप ही ग्लो अपने आप वाला भी सही हो जाएगा फिर ये भी सही, सब कुछ सही होने वाला है, मतलब सिस्टम अंदर वाला सही होना चाहिए, तो वो किचन के जो प्रोडक्ट है उन पे ज्यादा फोकस करें। बाथरूम के प्रोडक्ट्स हैं, सर्फ हैं इनके वॉश करने के लिए, जैसे साबुन है, फेस वॉश वगैरह है, डेंटल है, तो कई चीजें ऐसी हैं जिन पे मेन फोकस उनका वही रहना चाहिए कि हम लोग आयुर्वेदिक अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं और विदाउट केमिकल अपनाएं, तो हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए। और मैम मैं एक और चीज कहना चाहूंगी और ये यूथ के लिए है कि जो गर्ल्स जो लेडीज हैं जो भी महिलाएं हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी है और मेरी जिंदगी ऐसी है, तो मतलब मैं उन महिलाओं को एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी बनाना हमारे हाथ में है और हमें इतनी शक्ति है कि हम कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो हम खुद फेस कर सकती हैं। और जैसा कि आज हमने ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आए हैं, तो जो भी महिलाएं हैं जो आपकी जिंदगी खुद की बनाना चाहती है, जो भी गर्ल्स हैं, तो महिलाएं तो बना सकती हैं, उनका तो थोड़ा लेट हो गया लेकिन फिर भी वो बना सकती हैं। इवन मैं बात कर रही हूँ यूथ की, तो यूथ जो लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो जो शादी करने वाली हैं, तो मैं उनको यही चीज कहना चाहूंगी कि पहले से अगर अपना करियर बना लोगे तो आपको लाइफ पार्टनर भी उतना ही अच्छा मिलेगा, आपकी जिंदगी उस हिसाब से आपको मिलेगी, और इसका एग्जाम्पल आप हैं। तो और थोड़े दिन रुक जाइए मैम, मैं भी बनने वाली हूँ इसके एग्जाम्पल। बिल्कुल अपना करियर बना के अगर आप कुछ आगे करते हैं तो आपकी जिंदगी आप ही के हाथ में होती है और आप उसको सुधार सकते हैं। तो वो तो अभी जितनी भी गर्ल्स हैं तो वो ये चीज मुझे सुन रही होंगी, तो अपनी जिंदगी में करियर पे पहले ध्यान दें, बाद में बाकी चीजें हैं, तो करियर पहले आता है बाद में शादी आती है या फिर जो भी है। ये तो आज के यूथ को कहना चाहती है मैम, और अब आप मेरी तो बात करिए, मैं तो जवानी में अगर मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता ना तो मैं अब तक तो पूरे विश्व को कवर कर चुकी होती। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि यूथ का तो है ही, ये तो यंग ब्लड है, आज हम लोग मैच्योर होके भी हम लोग इस चीज को कर रहे हैं, एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो किसी भी सक्सेस को पाने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती है कि आप यंग हैं या आप थोड़ा सा आप मैच्योर हो गए हैं। सक्सेस पाने के लिए इंसान में जुनून होना चाहिए, उसको कर गुजरने की उसकी इच्छा होनी चाहिए, उम्र की कोई बात नहीं है। और मैं तो क्या कहूंगी मैम, आप मुझे देख ही रहे हैं कि मैं तो शादी के 20-22 साल के बाद में मैंने तो इस प्लेटफॉर्म को संभाला है, बाकी इससे पहले तो कैसी लाइफ थी और आज हम लोग कैसी लाइफ में हैं। और हम क्या, आप घूंघट से बाहर निकल के आईएमसी की वर्दी में इतनी खूबसूरत लग रही हैं आज, और आपको कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ गया है, मैं ये सोच के हैरान हूँ। बिल्कुल मैम, आप पता है मैम कई लोगों की थिंक मैंने देखी है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है, हम लोगों ने हमारी संस्कृति नहीं छोड़ी है। आज मैं मांग में सिंदूर और हाथ में माथे पे बिंदिया हाथ में चूड़ी पहनकर क्या इंसान बिजनेस नहीं कर सकता है क्या? हम अपने संस्कारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और हम अपने संस्कारों में जीते हुए भी हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं, एक कदम की तरफ रखा है हमने, हमारी मर्यादाएं नहीं छोड़ी है, हमने हमारे भारत की संस्कृति भी नहीं छोड़ी है, हम उन सबको मैनेज करते हुए भी आईएमसी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। तो ये के जो लोगों की जो सोच है, जो कमेंट्स लिखते हैं ऐसे, उनको मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे भी, और आपने मैम मुझे हर मीटिंग में इनमें देखा भी होगा कि मैं जहां तक हो सकता है अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए उस कार्य को करती हूँ कि मेरे गुरु का, मेरे पति का, मेरे माता पिता का कहीं पर भी नाम खराब ना हो, मैं सक्सेस भी रहूं, अपनी भारतीय संस्कृति में भी रहूं और अपनी संस्कृति को विदेशी कल्चर ना अपना के अपनी संस्कृति को विदेशों में लेकर जाऊं, उनका आदर्श बनूं, मेरे देश के लिए मैं एक आदर्श बनूं, यही सोच रखती हूं। इसी से मैं अपने शब्दों को भी विराम देना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत हो चुका है, और धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, आईएमसी परिवार का, सभी लोगों का, और चैंपियन टीम का, विशेषकर चैंपियन टीम का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है। तो गुड आईएमसी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का एक बार फिर से। और अब हम एक सॉन्ग के साथ आज की क्लोजिंग करेंगे,
और धन्यवाद के लिए मेरे पास ये छोटा सा शब्द होता है धन्यवाद, बट दिल से मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज जितना भी आपसे सुना है और जितनी महिलाएं आज आपसे मोटिवेट होंगी। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी महिलाएं मेरा साथ दे रही हैं इस कार्य में, थैंक यू वेरी मच। और आज का मैंने आगाज जब इतना शानदार हुआ है तो सोचिए अंजाम क्या होने वाला है। सो जब आगाज ही मदर डॉटर की डुओ से हुआ है तो सोचिए इसका अंजाम क्या होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और लोग लिख रहे हैं, रचना शर्मा जी लिखती हैं, वाह वाह चित्रा मैम, तो इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। एंड थैंक यू वेरी मच सभी दर्शकों को, गुड नाइट सी, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने सपनों की ओर अग्रसर रहें, और कल ठीक 5 बजे शाम को हमें देखना ना भूलें, वॉइस ऑफ वुमेन Season 2 Episode 2। सो थैंक यू वेरी मच गुड नाइट सी टू ऑल। और आप जो भी मैसेजेस या कुछ सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, तो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर करूंगी। सो आइए क्लोजिंग करते हैं हमारे सॉन्ग के साथ। कहीं भी आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में दिक्कत आए काम करने में, आप शिवकांत मिश्रा सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना प्यार आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें, थैंक यू सो मच, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप सबके कारण है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट सी।